नमस्कार आप सभी को, और आपका स्वागत है लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग में। इससे पहले कि हम अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करें, आइए आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं हमारे हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी की स्थापना हुई थी 2006 में, और ये स्थापना हमने कंपनी की स्थापना हुई थी कोपेनहेगन में, जहाँ पर हमको एक बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है उनको लीन सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करना था। और तो एक बहाना था हमारा, उन्होंने कहा था कि कंपनी डेनमार्क की होनी चाहिए, तो हमने जाके डेनमार्क में ही कंपनी खोल दी। तो उस तरह से हमारी शुरुआत हुई, और तब से पिछले 16 सालों से हम अलग अलग कंपनीज को दुनिया भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमने 1.5 लाख लोगों को ट्रेन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जिससे ये संख्या तुरंत 1.5 लाख तक पहुंच गई। वरना वैसे 2 साल पहले तक ये संख्या 40,000 तक थी। तो 40,000 लोगों को हमने क्लासरूम में ट्रेन किया है, और अब 1.5 लाख लोगों को ऑनलाइन के जरिए। हमारे प्रोग्राम कई लोग, विश्व भर के लोग एक साथ अटेंड करते हैं ऑनलाइन, और ये कई कई बार इनकी संख्या हजारों में होती है। तो अगेन बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरा नाम अमिताभ सक्सेना है। मैं पिछले 30 वर्षों से लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मास्टर ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और क्वालिटी के क्षेत्र में मैं काफी वर्षों से कार्यरत हूँ। और कुछ फोटो ये दिखाने के लिए कि मैंने सच में तो ये है हमारा लंदन का प्रोग्राम, ये है हमारा मुंबई का प्रोग्राम, ये है बेंगलोर का प्रोग्राम, और ये मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि हमने सबसे पहले जिस कंपनी ने लीन सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग पूरे मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में, जो सबसे पहली कंपनी थी जिसने लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो एनेक्सास थी, और मैं उसका उसमें ट्रेनर था। तो ये हमेशा गर्व के साथ मैं कहता हूँ, और मैं भी अभी भी फिर से कह रहा हूँ, इंडियन इंजीनियर्स फोरम जो है मध्य एशिया का, मिडिल ईस्ट के इंजीनियर्स फोरम जो है, उनको हमने 2008 से कंटिन्यूसली हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, और सालों से हर साल हम एक बैच ट्रेन करते हैं उनकी, और वो भी मतलब काफी सफल हुआ है। वहाँ के अधिकतर इंजीनियर्स एनेक्सास के माध्यम से सर्टिफाइड हुए हैं। सो ये विश्व भर में, चीन में भी हमको खुशी होती है कहते हुए कि हमने निर्यात किया है अपनी सेवाओं का। तो आयात तो सभी लोग करते हैं चीन से, हमने निर्यात किया है। और ये एक चीन का हॉस्पिटल है जहाँ पर हमने लीन सिक्स सिग्मा उनको पढ़ाया, और कई कंपनीज में भी चीन की जो है वहां पर हमने अपनी सेवाओं का निर्यात किया है। ये है शिपिंग कंपनी डेनमार्क की, एक है नोवार्टिस, विश्व की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्विट्जरलैंड में जो है, तो वहां के कुछ दृश्य हैं। ये है पेप्सी यूएस में, जो एफएमई सीख रहे हैं, तो हम लोग भी एफएमई सीखेंगे। हम लोग एफएमई सीखेंगे मेरे ख्याल से तीसरे दिन। तीसरे दिन हमारी एक बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिसमें आपको ये इमेजिन करना होता है कि प्रॉब्लम कैसे होंगी। मतलब आप जैसे, ये सबसे पहले नासा में प्रयुक्त हुआ था, जहां पर वो लोग जब पहला पहला अंतरिक्ष यात्री भेज रहे थे, और चंद्रमा पर जब पहली लैंडिंग की परिकल्पना हो रही थी, तो चाहते थे कि वो फेल ना हो। तो उन्होंने ये इमेजिन किया कि वो कैसे फेल हो जाएंगे। तो हर स्टेप पे उन्होंने कहा कि हम कैसे फेल होंगे, कैसे फेल होंगे, ऐसे करके उन्होंने पूरा एक बढ़िया सा समझ लीजिए एक्सेल शीट बनाया। उस समय तो एक्सेल शीट नहीं होता था, तो पेपर पे ही लिखा। और आज हमारे पास एक्सेल शीट उपलब्ध है, जो हम आपको देंगे तीसरे या चौथे दिन, जिसमें हम भी एफएमई करेंगे, अपने अपनी प्रोसेसेस को हम किस तरह से त्रुटियों से बचाएं, या देरी जो होती है उससे बचाएं। तो ये हमारा यही एफएमई है। इस समय यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे हैं एक व्हाइट बोर्ड पर, और यही एफएमई है। हम आपको
यहाँ पर भी पढ़ाएंगे। हमको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं अलग अलग। ये हमारी पत्नी है डॉक्टर वर्षा सक्सेना, तो इनके साथ हम गए थे चेतन भगत जी के साथ अवार्ड लेने। ये 2011 की बात है, तब हमको अवार्ड मिला था। लगातार 5 साल तक हमने ये अवार्ड लिया बेस्ट लीन सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट का। ये अलग अलग देशों की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। ये है वियतनाम, सऊदी अरबिया के मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अटेंड किया है। और हम जी बिजनेस पे इन्होंने मेरा हिंदी में इंटरव्यू लिया था और मेरी बहुत टांग खींची थी। मेरे ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट उनको समझ में नहीं आ रहा था और मुझे बहुत मजे मजे में उन्होंने, लेकिन मैंने सब समझा दिया उनको। तो वो इंटरव्यू भी हम आपको लिंक भेज देंगे, मेरी टीम जरा नोट कर ले, हम आपको जरूर लिंक भेज देंगे इसका। पूरा हमने हिंदी में उसमें सिक्स सिग्मा समझाया। तो ये था, उनके साथ हमने एक ब्लैक बेल्ट के तौर पे एक फोटो भी खींचा। ऐसे फोटो आपको कई मिलेंगे हमारे। और ये है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे हम हमेशा हर साल 2012 से लगातार मैं वहां पर बोल रहा हूँ। I'm going to talk about how one of the fields in artificial intelligence, robotic process automation or RPA, can be used to support process. तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये वाला जरूर आपको दिखाना चाहेंगे, ये शायद देख चुके हैं आप पहले। हमारे पास रेलवे हमारा एक क्लाइंट है, और सबसे मजे की बात यह है कि रेलवे को जो सप्लाई करता है डीजल पेट्रोलियम, वो भी हमारा क्लाइंट है। और जो कैरेजेस बनते हैं, जो डब्बे बनाए जाते हैं, BEML बनाता है, और BEML भी हमारा क्लाइंट है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो व्हील्स बनाता है, जो इनके ये बनाता है, वो भी हमारा क्लाइंट है। और राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर्स बनाता है किसानों के लिए, और जिसको काफी मालगाड़ी के डिब्बे लेकर जाते हैं, वो भी हमारा क्लाइंट। बड़ी खुशी होती है जब इस कंपनी को ऐसे देखते हैं कि हम एक तरह से भारत की सेवा कर रहे हैं। तो एक और मौका हमको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, भारत की सेवा करने के लिए। एक और बस एक वीडियो और दिखा देते हैं जिसमें हम बता रहे हैं। बहुत कम मौके आते हैं जब आपको अतीत से जुड़ने का मौका मिलता है, तो कुछ ऐसे ही क्षण आज मैं यहाँ पर जी रहा हूँ, जब भारत पेट्रोलियम में बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एक साथ। तो 27 साल पहले यहीं पर मैं इसी रिफाइनरी में इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग माय इंजीनियरिंग आई जॉइंड दिस रिफाइनरी, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं इसी रिफाइनरी में एक बार फिर मिस्टर एलेक्स संतोष लाड़े ये सब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और ये वर्कर्स हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि जब तक हम सभी लोगों को इन्वॉल्व ना करें, तो ये चीज जरूरी नहीं कि ट्रेनर ही इन्वॉल्व करें। जो लोग ट्रेन हो जाते हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग अभी आप ले रहे हैं, तो अगर आप ट्रेन होते हैं तो आप भी कुछ चीजें सारे लोगों को, ऑपरेटर्स को बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी कई ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने, हमने, मैं ये इस वीडियो को नहीं दिखाऊंगा। और हाँ, ये जरूर बता दूं कि मैं रेगुलर दैनिक भास्कर में मेरे आर्टिकल्स छपते हैं। ये है तलाशें वजह मुश्किल, दिक्कत होगी हल, मतलब फाइंड रूट कॉज। जैसा कि अभी बता रहे थे कि कभी कभी हम अगर इंग्लिश को हिंदी में कोशिश करते हैं तो क्लिष्ट शब्दों की को का प्रयोग हो जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से लग रहा है। असल में फाइंड आउट रूट कॉजेस, यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ये इसका शीर्षक है। लेकिन अगर उसको हम हिंदी में लिखेंगे, वजह मुश्किल, मुश्किल की वजह तलाश कीजिए तो आपकी दिक्कत हल हो जाएगी। और हमने किताब भी लिखी है जिसके बारे में शायद मैं कभी और बात करूंगा। तो चलिए अब मैं आता हूँ लीन सिक्स सिग्मा क्या है। और हम सीखते हैं और जानते हैं कि लीन सिक्स सिग्मा ये कहाँ से आया
और लीन सिक्स सिग्मा में हम करते क्या। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी मोटोरोला में। तो मोटोरोला में जो हम इनकी सीईओ थे उनको काफी समस्याएं आ रही थी क्योंकि उनके जो कस्टमर है काफी कंप्लेंट कर रहे थे। तो एक मीटिंग में वो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे जिसमें बता रहे थे कि किस तरह से मोटोरोला ने प्रगति की है पिछले 2-3 सालों में। तो वहां के एक डायरेक्टर ने कहा कि भाई आपकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कस्टमर्स खुश नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए मतलब उसके बारे में जरा पता किया जाए क्यों है ऐसा। तो उन्होंने पता किया कि कस्टमर्स कभी कभी जो डिलेज थे उनके जो प्रोडक्ट्स उनको मिलते थे कस्टमर्स को काफी देरी में पहुंचते थे और कई बार उसमें उनमें कुछ त्रुटियां भी होती थी, कुछ डिफेक्ट्स भी होते थे। तो जो बॉब गैल्विन थे, जो सीईओ थे, बॉब गैल्विन था उनका नाम, तो उन्होंने कहा कि ये इस चीज को मैं चैलेंज के तौर पे लेता हूं और अगले 5 साल में आप 5 गुना प्रगति देखेंगे। मतलब अगले 5 सालों में जो भी स्थिति है आज उससे बेहतर होगी, तो बेहतरी की ओर आप कम से कम 5 गुना आप प्रोग्रेस देखेंगे हमारी कंपनी में। तो उन्होंने सबको इनवाइट किया कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं। सो एक सजेशन आया कि दो लोग थे, इंजीनियर थे, उनका नाम था बिल स्मिथ और माइकल हैरी। सो बिल स्मिथ और माइकल हैरी ने बताया कि हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स को का प्रयोग कर सकते हैं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। तो बॉब गेल्विन ने पूछा ये क्या होता है, मतलब स्क्रीन शेयरिंग वाज ऑफ सर, एंड दैट्स फाइन, आई एम नॉट शेयरिंग राइट नाउ। तो इन्होंने मतलब पता किया कि किस तरह से, मतलब चाहिए मैं स्क्रीन भी मैं दिखा देता हूं असल में इसके बारे में बात कर रहा था हमारे मोटोरोला के ये जनाब बिल्स बॉब गैल्विन जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो ये जो हैं बॉब गैल्विन ने पूछा बिल स्मिथ और माइकल हैरी से थे कि ऐसा क्या खासियत है हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स में। सो उन्होंने कहा कि देखिए हम जो भी समस्याएं होती हैं पिछले 2 सालों से हम लोग ऐसा कर रहे हैं 2-3 सालों से कि जो भी समस्याएं होती हैं हम उनको प्रोजेक्ट के तौर पे ले लेते हैं, उसको प्रोजेक्ट में परिवर्तित। तो जैसे अगर आपको जैसे अगर वैगन्स हैं उनको हमको देरी लग रही है अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, तो ये देरी क्यों हो रही है इसके बारे में सबसे पहले तो हम उसको उसके लिए आंकड़े इकट्ठा करते हैं कि क्या इस समस्याओं की जड़ में क्या समस्याएं हैं, मतलब रूट कॉज क्या है उनके। और अगर उनकी मुश्किलों की वजह अगर हमको पता लग जाती है तो हम वजहों पर बात करते हैं, हम उन समस्याओं के बजाय, क्योंकि हम जब भी हमको कोई समस्या आती है, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, हम कॉजेस के ऊपर फोकस नहीं करते। अधिकतर यही होता है कि जब हम डिस्कस करते हैं, हमारी मीटिंग हो रही है कि ये डिफेक्ट्स काफी बढ़ गए हैं, ये कुछ समस्याएं जो है कस्टमर्स बड़ी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो मीटिंग होती है वो कस्टमर कंप्लेंट के ऊपर होती है, या हमारी मीटिंग होती है कि किस तरह की त्रुटियां हमारी प्रोडक्ट में हैं, या देरी हो रही है तो हम किस तरह से उसको कम किया जाए। लेकिन हम कभी कभी बात भी करते हैं अगर कॉजेज की, तो सिर्फ ये बात करेंगे कि ये कारण हो सकते हैं, उसमें से कोई एक कारण चुन लेते हैं कि हाँ ये शायद ये कारण है। अब किस आधार पर आपने कहा कि ये कारण है, हम कहेंगे कि कारण है क्योंकि मैं 10 सालों से इस क्षेत्र में हूँ, मुझे बहुत जानकारी है, बहुत अनुभव है, और अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि इस समस्या का जो समाधान है आपको ऐसे मिल जाएगा। 80% चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी, ऐसे 80% चीजें आपकी जो डे टू डे आपके ऑपरेशन है उसमें आप ऐसी समस्याएं सुलझा सकते हैं, और जरूरी भी है क्योंकि हर चीज पे आप प्रोजेक्ट कर भी नहीं सकते। लेकिन जो 20% चीजें होती हैं, 20% समस्याएं होती हैं, वो आप सुलझा ही नहीं पा रहे हैं पिछले
दो साल से कोशिश कर रहे हैं, पिछले चार साल से कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। तो अब आप इसको कैसे सुलझाएंगे? यहां पर लीन सिक्स, यहां पर जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स काम आती हैं। तो ये बिल स्मिथ और माइकल हैरी ने उनको समझाया, हमारे जो बॉब गैल्वन साहब थे सीईओ, उनको समझाया कि देखिए हम जो भी समस्याएं होती हैं उनको प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसको, और प्रोजेक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि आपकी प्रोजेक्ट की हमेशा एक स्टार्टिंग डेट होती है और एंडिंग डेट होती है। प्रोजेक्ट कुछ समय के बाद बिल्कुल मृत हो जाता है, मतलब आप खत्म हो जाए, प्रोजेक्ट बचता ही नहीं है। सबसे अच्छा होता है वो प्रोजेक्ट जो कुछ दिनों में खत्म हो जाए, प्रोजेक्ट शुड बी डेड आफ्टर सम टाइम। अगर प्रोजेक्ट चल ही रहा है तो मतलब वो प्रोजेक्ट काहे का, फिर तो वो प्रोसेस हो गई। प्रोसेस होती है जो इसमें आप करते जाते हैं, करते हैं, हाँ, जैसे आप वैगन रिपेयर करते हो, कर रहे हैं, पिछले साल भी कर रहे थे, इस साल भी कर रहे हैं, अगले साल भी करेंगे, ये तो हो गई प्रोसेस। लेकिन वैगन रिपेयर करने का जो समय है, आज समझ लीजिए 20 दिन है, 20 दिन को 10 दिन करना है, ये हुआ प्रोजेक्ट। और कब तक करना है इसके लिए कि आपके पास एक डेट भी होगी कि मुझे 30 सितंबर तक इसको कम करना है, तो ये हुआ प्रोजेक्ट। सो प्रोसेस और प्रोजेक्ट में डिफरेंस है। तो ये बिल स्मिथ और माइकल हैरी समझा रहे हैं बॉब गेल्विन साहब को कि भाई ऐसे इस तरह से हम प्रोजेक्ट करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट हमने कर लिए। तो बॉब गेल्विन ने कहा कि कितने प्रोजेक्ट किए आपने पिछले, जरा दिखाइए। तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ अपनी फाइलें खोली, उन दिनों ये एक शीट होती थी, ट्रांसपेरेंसीज बनती थी उन दिनों, ट्रांसपेरेंसी शीट प्रोजेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट करके, तो उन्होंने ढूंढ ढांड के निकाली इधर उधर से, और उन्होंने बड़े गर्व से दिखाया कि देखिए हमने 3 सालों में 2 प्रोजेक्ट किए। तो बॉब गेल्विन ने कहा आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सिर्फ 3 प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे तो 150 प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो बिल स्मिथ और माइकल हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहा ये मतलब ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम कितने प्रोजेक्ट करेंगे, हम 2 लोग हैं, हम कितने प्रोजेक्ट करेंगे। तो बॉब गेल्विन ने कहा कि भाई आप ही की तरह क्यों ना 100 लोग हों, 150 लोग हों, 500 लोग हों, अगर आप ही की तरह आप जैसे ही 500 लोग हों हमारे पास, तो हम 500 प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो बिल स्मिथ और माइकल हैरी को शायद इशारा समझ में आ गया, और जैसे कि बॉस आमतौर पर करते हैं, बॉस कहते हैं ना कि भाई प्रॉब्लम लेकर मत आओ, सॉल्यूशन लेकर आओ। तो बॉब गेल्विन ने कहा कि भाई कैसे करना है, कब करना है, कहां से करना है, ये आप ढूंढिए, लेकिन मुझे 500 प्रोजेक्ट चाहिए 5 सालों। तो बिल स्मिथ और माइकल हैरी, क्योंकि जो बॉस हैं, बॉस तो कुछ भी बोल देते हैं कि भाई करके दिखाइए। माइकल हैरी बैठा, उन्होंने सोचा हम कैसे करें इसको। तो उनको एक तरीका सूझा, उन्होंने कहा कि देखिए हम सबको स्टैटिस्टिशियन तो बना नहीं सकते, तो हम जो मूल टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं हमारी, बहुत सारी जो बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम प्रयोग करते हैं अपनी समस्याओं का हल करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इनको हम एक फ्लो में बना देंगे, एक स्ट्रक्चर में बना देंगे, लिस्ट में कि भी डिफाइन में आपको ये करना है, मेजर में ये करना है, एनालाइज में ये करना है, इंप्रूव में ये करना है, कंट्रोल में ये करना है, और मतलब एक जो भी हम फेजेस बना देंगे, और एक तरह से एक प्रोसेस फ्लो बना देंगे कि भी आप डिफाइन फेज में हैं, तो एक तरह से कि बजाय आप जो कहते हैं ना कि रादर देन गिविंग अ फिश टू अ पर्सन, टीच देम फिशिंग, मतलब अगर आप किसी को रोज रोज खाना फ्री में देने के बजाय आप उसको खेती बाड़ी सिखा दीजिए, वो अपना खाना खुद ही बना सके, खुद उगा सके और खुद खा सके, बट इंडिपेंडेंट बना दीजिए उसको, मतलब उसको स्पून फीडिंग कब तक कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, हम इन तकनीकों को अपने एम्प्लॉइज को बता देंगे कुछ सरल शब्दों में, और
इन्हीं से कहेंगे कि भाई अब आप प्रोजेक्ट्स कीजिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लीजिए और उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए इस तरह से। मतलब फिर शायद हो सकता है कि कुछ जो इनका विजन है ये चाहते हैं 500 प्रोजेक्ट करना। पहले तो उनको बड़ी हंसी आ रही थी कि 500 प्रोजेक्ट कभी होता होगा, मैं अब ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ। जैसे होता है ना, बॉस बोल देते हैं ऐसे कर लो वो कर लो, तो हम बैठ के डिस्कशन करते हैं ये पता नहीं कैसे करेंगे, ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने। तो विल स्मिथ और माइकल एरी ने कोशिश कहा कि चलो कोशिश करते हैं, उन्होंने फिर 25 लोगों को ट्रेन किया। और उन अब चूंकि लोगों को बुलाओ कि भी हम आपको कुछ तकनीकें सिखाएंगे, तो वैसे ही लोग बड़ा मुश्किल होता है लोगों को बुलाना। तो इन्होंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहा कि देखिए हम आपको कुछ तरीके सिखाएंगे, तकनीकें सिखाएंगे, और अगर आप उन तकनीकों को जान लेंगे तो आप ग्रीन बेल्ट हो जाएंगे। उन्होंने कराटे में होता है ऐसे व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, इस तरह से अलग अलग तरह के रंग के बेल्ट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे जैसे अगर आपको कुछ चीजें आ गई तो आप व्हाइट बेल्ट हुए, कुछ और चीजें आ गई तो आप येलो बेल्ट हो गए, कुछ और चीजें आ गई जैसे कुछ ज्यादा जितनी भी तकनीकें होती हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, और आपको सब आ गई तो आप ब्लैक बेल्ट हो गए। तो इस तरह से हम अब आपको मतलब डिजिग्नेट कर देंगे, आपको सर्टिफाई कर देंगे। तो इससे लोगों में थोड़ा सा उसके प्रति रुचि बढ़ी और लोग चाव से आने लगे कि चलिए ठीक है हम भी सीखेंगे, हम भी ग्रीन बेल्ट बनेंगे। मुझे याद है जब मैंने शेखर सुमन जी पूछ रहे थे, उन्होंने भी आप इंटरव्यू में देखेंगे, उन्होंने कहा ये क्या बेल्ट बेल्ट क्या होता है, मतलब ये आप कौन से बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट, ये तो कराटे की बात होती है, यहाँ कहाँ से आ गया। तो मैंने उनको समझाया था कि ये जैसे कराटे के ब्लैक बेल्ट अपने दुश्मन को ध्वस्त कर देते हैं कुछ तकनीकों के का प्रयोग करके, उसी तरह से जो आपकी समस्याएं होती हैं क्वालिटीज की, जो समस्याएं होती हैं जो कस्टमर्स को जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को आप ध्वस्त करते हैं। और कैसे ध्वस्त करते हैं? तकनीकों के जरिए। तो बिल स्मिथ और माइकल एरी ने लोगों को पढ़ाया और फिर उसके बाद सबने प्रोजेक्ट्स किए, और प्रोजेक्ट्स करने के बाद कई लोगों ने बाद में हुआ के 100-150 इतने प्रोजेक्ट्स हुए कि $15 बिलियन 11 साल में $15 बिलियन ये सेव हुए। और इनको फर्स्ट मैल्कम बालरिज अवार्ड, जो हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड होता है, फर्स्ट पहला जो उसकी स्थापना ही हुई थी 1988 में, तो पहला अवार्ड जो मिला वो मोटोरोला। तो इस तरह से मतलब सिक्स सिग्मा की शुरुआत हुई। और फिर जैक वेल्श जो थे जी के, तो ये जैक वेल्श साहब को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा अपने एम्प्लॉइज को कि अगर आप ग्रीन बेल्ट नहीं तो आपको मैं प्रमोशन ही नहीं दूंगा, तो जाइए पहले ग्रीन बेल्ट बनिए फिर ही आपको प्रमोशन मिलेगा। तो सब लोग ग्रीन बेल्ट बनना चाहते थे, उन्होंने कहा चलिए मैं भी बनूंगा ग्रीन बेल्ट। तो सबने अपने अपने प्रोजेक्ट किए, तो इतना ज्यादा उनको फायदा हुआ, आगे फिर से अरबों रुपयों का फायदा हुआ, मतलब तो करोड़ों तो बहुत कम है, अरबों रुपयों का फायदा हुआ। और फिर उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं जैक वेल्श साहब, ये जो बीच में बैठे हुए हैं जिनके कम बाल हैं, मुझे भी बड़ी खुशी होती है इससे, हमारे भी कम बाल हैं तो कम से कम कम बाल वालों को देखकर यही खुशी होती है कि कुछ लोग तो हैं जिनके कम बाल हैं और जो कहें कि सर्वमान्य है। तो ये हमारे जो जैक वेल्श जो साहब थे, इन्होंने अपने वेंडर्स से कहा कि अगर आपको ऑर्डर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जी आपको रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे, तो पहले आपको सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट, सबने कहा कि ये सिक्स सिग्मा ये क्या होता है, सिक्स सिग्मा क्या होता है, सब जानना चाहते थे। तो
जैक वेल्श ने कहा कि ऐसा कीजिए, मोटरोला से पूछिए, मोटरोला ने हमको पढ़ाया है। तो मोटरोला ने यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी कि लीन सिक्स सिग्मा हम पढ़ाएंगे। तो करीब 7-8 सालों से तक उन्होंने दुनिया भर को पढ़ाया। फिर 2000 में शायद उन्होंने मोटरोला यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे वर्ष तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी समय मोटरोला यूनिवर्सिटी बाद में उन्होंने बंद किया। और उन्होंने कहा कि ये अब हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मतलब ये लीन सिक्स सिग्मा ऐसा है कि जिसको चाहे वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। तकनीकी उन्होंने सभी को बता दी, ये जाइए और सब लोग इस्तेमाल कीजिए। और मुझे याद है जब मैंने KPMG में मैंने सिक्स सिग्मा की शुरुआत की थी, वहाँ की सिक्स सिग्मा एडवाइजरी सर्विस की स्थापना की थी KPMG में। सो उस समय जब हम ट्रेनिंग लेते थे तो हमको मोटोरोला को कहना पड़ता था कि ये सर्विस मार्क है, सिक्स सिग्मा और ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट मोटोरोला का सर्विस मार्क है। बाद में उन्होंने सर्विस मार्क को रिलीज कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से आज सारी दुनिया भर के बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लीन और सिक्स सिग्मा ये दो अलग अलग तकनीकें हैं। ना लीन का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था वो टोयोटा में हुआ था। तो टोयोटा की हम कहानी बाद में बताएंगे आपको, मतलब जब हम एनालाइज फेज में हम बात करेंगे प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, वेस्ट की। 7 या 8 तरह के वेस्ट होते हैं जिसमें आप वेस्ट ढूंढते हैं। वेस्ट वो नहीं जो हम कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, वो तो वेस्ट होता ही है, लेकिन ऐसी कई चीजें होती हैं जो आपके प्रोसेस में होती हैं। प्रोसेस में बहुत सारा कचरा होता है जिसको हमें आइडेंटिफाई करके उसको हटाना पड़ता है। तो किस तरह से उसे ढूंढें, किस तरह से आप उसे पहचाने और किस तरह से फिर आप उसको और जरूरी नहीं कि हर तरह का आपको कचरा साफ करना होता है। कुछ कचरे रहने देते हैं हम लोग, कुछ कचरों का ज्यादा जो ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारी प्रोसेस के साइकिल टाइम को, तो हम उन पर अटैक करते हैं। तो वहां पे हम परेटो चार्ट लगाते हैं। परेटो एक होते हैं 80-20 एक विल्फ्रेडो परेटो एक अर्थशास्त्री थे इटली के, तो उन्होंने ये बताया कि आप जैसे 80% जो पैसा इटली में सिर्फ 20% लोगों के पास था। तो उन्होंने इसको 80-20 रूल कहा, 80-20 रूल, पेरेटोस प्रिंसिपल। और इसी चीज को जुरान ने प्रयुक्त किया क्वालिटी में। उन्होंने कहा कि 80% जो समस्याएं हैं आपकी वो सिर्फ 20% कारणों से ही होंगी। तो अगर आपके पास 10 कारण है तो सिर्फ 2 कारण ऐसे हैं जो आपकी 80% समस्या को का मूल कारण है। तो 10 कारणों के पीछे भागने के बजाय अगर आप 2 कारणों के पीछे भागेंगे, उनको पकड़ के उनको कंट्रोल कर लेंगे, तो आपके समय की तो बचत होगी और आपका जो कम एफर्ट में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने पेरेटो प्रिंसिपल को इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया उनका। और फिर पेरेटो प्रिंसिपल काफी हम पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे मेरे ख्याल से दूसरे दिन हम पढ़ेंगे पेरेटो प्रिंसिपल्स के बारे में। तो और सिक्स सिग्मा क्या होता है, सिक्स सिग्मा के बारे में जैसा मैं बता रहा था, सिक्स सिग्मा में आप वेरिएशन कम करते हैं। जैसे अगर व्हील्स बना रहे हैं, रेल के डिब्बे के व्हील्स हैं, अगर बहुत वेरिएशन होगा, थोड़ा तो वेरिएशन होगा ही, हर व्हील का डायमीटर एक जैसा तो हो नहीं सकता। सो कुछ तो वेरिएशन होगा, लेकिन वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए। तो अगर बहुत वेरिएशन ज्यादा होगा तो वो किसी काम का नहीं, वो चीज, वो जो अगर आप व्हील बना रहे हैं, रेल किसी बोगी का व्हील बना रहे हैं, तो व्हील किसी काम का नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे किसी काम को अगर आप 10 दिन में कर रहे हैं तो आप 10 ही दिन लगाएं हमेशा, कभी 12 दिन लगा रहे हैं, कभी 8 दिन लगा रहे हैं, कभी 14 दिन लगा रहे हैं,
कस्टमर भी बेचारा परेशान हो जाएगा, लेकिन जब कस्टमर को मालूम है कि आप 10 दिन लेंगे तो वो अपना अपना प्लानिंग भी उसी हिसाब से करेगा। सो वेरिएशन चाहे सर्विस में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों जगह उसका उससे हमेशा समस्या आती है और कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है कोई भी वेरिएशन। ये जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियां हैं आजकल, वो क्या करती है, जैसे अगर आप चाहे देखें कोई कॉफी कॉफी बनाने वाली कंपनी है, अब कॉफी तो कॉफी है, होता है ना कई बार उस नुक्कड़ पे जाओ तो उसकी कॉफी बहुत अच्छी है, उसकी चाय बहुत अच्छी है, हमेशा होता है। आप अगर आपको अच्छी चाय पीनी है तो शहर में एक दुकान होती है वहां जाइए, वहां की चाय बहुत अच्छी है। अब चाय तो बहुत अच्छी है वहां की, लेकिन अगर उसके चाय की दुकान के मालिक ने कहा कि चलिए एक और मैं इसकी ब्रांच खोल लेता हूँ दूसरे शहर में, या उसी शहर में एक दूसरी दूसरे दूसरे किसी क्षेत्र में अगर खोल लेता हूँ, तो फिर भी अगर लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं आपको ना ये इस वाले जगह पे वो पुरानी वाली दुकान अच्छी है, नई वाली में वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन है, और वेरिएशन कहां से आता है? सिस्टम से आता है। वेरिएशन आता है सिस्टम से। अधिकतर जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी वो प्रोसेस में होती हैं, सिस्टम में होती हैं, लोगों में नहीं होती। अधिकतर जो समस्याएं जो होती हैं, मैं एक स्लाइड है बाद में आएगी, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो हमेशा जब आपको कुछ भी इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपको प्रोसेस में प्रोसेस को दोष देना है, लोगों को दोष नहीं देना है, क्योंकि लोग तो वही फॉलो करेंगे जो प्रोसेस में है। और प्रोसेस कौन बदलेगा? प्रोसेस बदलेगा सीनियर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट प्रोसेस बदल दे तो वही लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छा आपको आउटपुट भी देंगे। तो ये जो चीजें हैं इसको समझना बहुत जरूरी होता है क्वालिटी में, और सिक्स सिग्मा में भी ये बात समझाई जाती है और हर जगह समझाई जाती है, आप कहीं पर भी क्वालिटी की बात करें। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्वालिटी के तीन क्षेत्र होते हैं, तीन एरियाज होते हैं समझ लीजिए। तो ये तीन एरियाज क्या क्या हैं, क्वालिटीज के जो तीन एरियाज क्या क्या हैं, इसके बारे में आइए समझते हैं। क्वालिटी के क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसमें एक विभाग से तो आप परिचित हैं, यह है क्वालिटी। पहला होता है मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। दूसरा होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और तीसरा है डिजाइन फॉर क्वालिटी। मैंने कहा कि आप मैनेजमेंट से परिचित हैं क्योंकि कुछ सिस्टम्स हैं आपके पास, जैसे कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑलरेडी हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में हम पहले तो एक स्टेप्स लिख देते हैं कि ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2, इस तरह से आपको अपना काम करना है। ये डिजाइन होके आती है कहीं से, कोई होता है जो डिजाइन करता है प्रोसेस कि भी इस तरह से आपको ये पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड। हर चीज का एक तरीका आपको बता दिया जाता है कि आपका अगर आपको जैसे ऑर्डर प्रोसेस करना है तो उसका एक तरीका है, अगर आपको किसी चीज को मेंटेन करना है जैसे वॉल्व्स हैं उनका मेंटेनेंस करना है तो उसका तरीका है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए और आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरीके को बिल्कुल फॉलो करेंगे तो आपकी क्वालिटी बरकरार रहेगी, आपकी क्वालिटी बरकरार। आप अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे, इधर उधर कुछ अपनी तीसरी चौथी स्टेप लगा देंगे तो फिर आपको क्वालिटी वो मिलेगी। ये होता है क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो इसमें हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, की ये तरीके ये प्रोसेस है आपकी, आपको लगाना। इसमें आपको प्रोसेस मैप दे दिए जाते हैं, ये आपकी प्रोसेस मैप है, इस तरह से आपको फॉलो करना है। अगर आपने उसका उसको फॉलो किया, प्रोसेस मैप का इस्तेमाल किया, आपको आपकी कोई गलतियां नहीं होंगी और कस्टमर भी खुश रहे। और अगर आप चाहें तो किसी थर्ड पार्टी को बुला लें कि भाई हमारा ऑडिट कीजिए, हमें एक ठप्पा लगा दीजिए हमारी कंपनी पे, हम ये सर्टिफाइड हैं, जैसे यू नो ISI सर्टिफाइड हैं, ISO 9000 सर्टिफाइड हैं। तो ये सब आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS भी कहते हैं इसको, QMS, ISO 9000 एक अच्छा एग्जांपल है इसका। फिर हमारा आया इम्प्रूवमेंट। तो अगर हम बाद में पता करेंगे इसके बारे में, मैं आपको समझाऊंगा कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। कंट्रोल चार्ट्स में हम देखेंगे कि जैसे ये हमारी परफॉर्मेंस है, थोड़ी ऊपर नीचे तो होगी, थोड़ी वेरिएशन तो होगी। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं हम 20 दिन ले रहे हैं आमतौर पर, औसतन हम 20 दिन ले रहे हैं इसके, कभी ये 30 दिन तक जाती है, कभी 10 दिन तक जाती है, लेकिन 10 से 20 दिनों में हम अपना काम कर देते हैं, 10 से 30 दिन ये काम हो जाता है। कभी कभी ऊपर चला जाता है तो सुनवाई हो जाती है कि भाई ये क्या हुआ, स्पेशल कॉज होता है इसको, हम कहते हैं स्पेशल कॉज, और हम बता देते हैं भाई एक हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे उसके बारे में, कल क्या मेरे ख्याल से आज भी पढ़ सकते हैं। इसमें हम अगर कोई समस्या आई कि भी ये इसको 50 दिन लग गए, क्यों, आपके पास एक कारण होता है कि भी इस कारणवश यहाँ पर हमारी ये समस्या आई, और ये समस्या हमें रोज रोज नहीं आती, तो हम मतलब ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और इस चीज को, इस टूल को हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट हम बाद में बात करेंगे। अगर आप ऐसे मैनेज कर रहे हैं तो आप, हम कहेंगे आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका अच्छा स्थापित क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, और कस्टमर आमतौर पर खुश रहता है आपसे। लेकिन भाई ये कंपटीशन का जमाना है, वहां पे कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, और कॉम्पिटिटर भी बैठा नहीं है तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन तो बढ़ते ही रहते हैं। आज आप 20 दिन में दीजिए, वो कहेगा कल 15 दिन में दीजिए, 15 दिन में दीजिए तो कहेगा 10 दिन में दीजिए। अगर कॉस्ट आपकी किसी चीज की 10,000 रुपए है, वो कहेगा 8,000 में दीजिए, 8,000 है तो कहेगा 6,000 में दीजिए। तो इम्प्रूवमेंट तो हमको करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो नष्ट हो जाएंगे, तो इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी। तो ये हम ये सोच के रहे कि भाई हम यहाँ बड़े खुश हैं, सब प्रोसेस अंडर कंट्रोल है, हम ISO 9000 सर्टिफाइड भी हैं, बड़े खुश हैं, तो इससे आपका भविष्य उज्जवल नहीं है, भविष्य अंधकारमय हो सकता है जरूर। इसको अंधकार से बचाने के लिए, अंधकार में भविष्य से बचने के लिए हमारे पास है इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कहते भाई अगर हम इस हमारा हम ऐसी हमारा परफॉर्मेंस है, भले ही कस्टमर खुश है, कस्टमर कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों ना हम इसको और ऊंचा करें, अपने स्तर को ऊंचा करें, ऊंचा हो गया फिर मेंटेन करें, कुछ दिनों तक मेंटेन करें उसको, और ऊंचा हो गया 2-4 महीने बड़ा सब खुश है, ज्यादा खुशी ना बनाए, फिर ऊपर जाए, यही तो जीवन है। एक वीडियो में मैंने देखा था, अमिताभ बच्चन जी बता रहे थे अपने पिताजी के बारे में कि वो क्या एक बार वो अपने नाराज हो गए अपने पिताजी से किसी बात पे, तो उन्होंने कहा कि वो शायद उनको काम नहीं मिल रहा था कहीं, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आप मतलब हमें पैदा क्यों किया, जब आप हमें काम नहीं दे सकते तो आपने पैदा क्यों किया।
और फिर उन्होंने उनको हमेशा कंप्लेंट रहती थी कि उनके पिताजी हमेशा रात और रातों को कवि सम्मेलन में जाते थे, मतलब दिन में काम करते थे, वो टीचर थे, और शाम को रात में कवि सम्मेलन में जाते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप ये क्या है, मतलब आप ना सुबह घर में रहते हैं, ना दिन में रहते हैं, ना रात में रहते हैं, तो ये क्या है। तो तब हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था उनसे कि बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष, तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा जब तक आप जीवित हैं। आपका संघर्ष मतलब कभी आप वाह वाह मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, तो फिर आपका डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है। तो आपको जब तक जीवन है, जैसे जब तक आपकी कंपनी है, आपको इम्प्रूव करना है। इसी वाकये को मैं कंप्लीट भी कर दूं, उसके बाद हुआ ये कि जब 20 साल के बाद अमिताभ बच्चन बड़े उसमें शूटिंग वूटिंग में जाते थे, दिन बाद सुबह शाम, सुबह एक शिफ्ट कर रहे थे, शाम को एक शिफ्ट कर रहे हैं, दोपहर में एक शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर हरिवंश राय बच्चन जी ने उनसे पूछा, तब वो दर्द हो चुके थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये इतना क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं अमिताभ बच्चन जी ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा बाबूजी जब तक जीवन है तब तक संघर्ष। तो इसी तरह से एज ए क्वालिटी पर्सन और नॉट ऑन एज ए क्वालिटी पर्सन, मैनेजमेंट में भी आपको हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक कंपनी है, जब तक कस्टमर है, जब तक कंपनी है, कभी भी हमें खुश नहीं होना है अपने परफॉर्मेंस से। सो इम्प्रूवमेंट इज अ मस्ट, शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब हम इम्प्रूव हो गए, कैसे होंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट समझ में तो आ गया कि इम्प्रूवमेंट होना है, क्योंकि कल तीन चार फोर्सेस होते हैं हमेशा। एक तो मार्केट फोर्स होता है, मार्केट फोर्स होता है मतलब आपका कॉम्पिटिटर है, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो दूसरे के लोग दूसरे के पास चले जाएंगे। या फिर कभी कभी सर्वाइवल करना पड़ता है कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है कि अगर हम नहीं बदले तो कुछ दिनों में तो हम इरेलेवेंट हो जाएंगे, तो इससे हम कैसे बचें। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट सिस्टम के जो तरीके होते हैं वो होते हैं आपके जो हम सीख रहे हैं। तो आप बनेंगे एक्सपर्ट इस तरीके में, ये होता है लीन और सिक्स सिग्मा। लीन सिक्स सिग्मा आपको इंप्रूवमेंट सिखाता है, स्टेटस को मेंटेन करना नहीं सिखाता। स्टेटस को आपको मेंटेन करना एक तरह से सिखा देगा आपको कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं। लीन सिक्स सिग्मा आपको सिखाएगा कि जो भी समस्या है आप उससे कैसे उभरें और कस्टमर को कैसे ज्यादा खुश रखें। तो ये हो गया इंप्रूवमेंट। और एक होता है डिजाइन। डिजाइन में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हैं जो ये बताते हैं कि प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए, ये प्रोसेस में जो कुछ लोग होते हैं वो लोग डिजाइन करते हैं। तो इंप्रूवमेंट में आप फॉलो करते हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, DMAIC। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, DMAC। इन्हीं फेजेस को हम सीखेंगे। आज हम करेंगे डिफाइन, आज हम सीखेंगे डिफाइन फेज। उसके बाद अगर आप डिजाइनिंग करते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसमें हम यूज करते हैं DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वैलिडेट। मतलब जो आपको बोगी डिजाइन कर रहा है, जो आपका व्हील्स डिजाइन हो रहा है, वो किस तरह, जो जिन तरीकों का उपयोग कर रहे हैं वो लोग डिजाइनिंग क्वालिटी डिजाइन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसको डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा भी कहते हैं, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। तो हमारा जो स्कोप है इस ट्रेनिंग का वो ये है। हम आपको बना देंगे एक्सपर्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। सबसे अच्छी चीज है कि हम आपको बनाएंगे एक्सपर्ट। अगर दो तरीके होते हैं, या तो हम कंसल्टेंट के तौर पे एक सूट टाई लगा के आ गए, बैठ गए, कुछ प्रोसेस की, कुछ इधर उधर किया, और ये आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और हमने आपका इंप्रूवमेंट कर दिया। ये एक हो गया कि
जैसे होता है ना कि हमने जो पहले बताया था कि गिविंग द फिश टू द पर्सन रादर देन टीचिंग देम फिश, अब हम आपको खुद इंप्रूवमेंट के तरीके बताएंगे, अब आप हम आपको टूल्स एंड टेक्निक्स बताएंगे कि इन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप खुद उनका प्रयोग करके खुद अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उनका प्रोजेक्ट बना के खुद डिफाइन मेजर एनालाइज ब्रून कंट्रोल ये पांचों फेजेस लगा के आप इसको अपना फायदा कर सकते हैं। फायदा मतलब अपने प्रोसेस का फायदा कर सकते हैं, कस्टमर को खुश कर सकते हैं। कस्टमर जरूरी नहीं है कि वह आउटसाइड हो, कस्टमर आपका इंटरनल भी हो सकता है। जैसे अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कस्टमर आपका ऑपरेशन है, एचआर डिपार्टमेंट में है अगर आप, पर्सनल डिपार्टमेंट में, तो आपका इंटरनल कस्टमर है। इंटरनल कस्टमर आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपका जो स्टाफ है, वो आपका इंटरनल कस्टमर है। तो कस्टमर जब हम बात करते हैं, जो शब्द है ग्राहक, ग्राहक हमेशा वो नहीं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, ग्राहक हमारा वो भी है जो हमारे हमारी कंपनी में ही हो, दूसरा डिपार्टमेंट हमारा ग्राहक हो सकता है। तो ये माइंडसेट हमको डेवलप करना पड़ता है। जब हम अपने आंतरिक ग्राहक को खुश करेंगे, हम अपने इंटरनल कस्टमर को खुश रखेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका बाहरी ग्राहक जो है, एक्सटर्नल कस्टमर भी खुश होगा। तो इस चीज को हमें जरा ध्यान रखते हुए कस्टमर जब हम बात करेंगे, तो आइए बात करते हैं कुछ और प्रिंसिपल्स की और कुछ और चीजों की जिसमें लीन सिक्स सिग्मा में बहुत हमेशा प्रयोग होता है। कस्टमर फोकस, आपका सारा ध्यान कस्टमर पर केंद्रित हो। और क्वालिटी का कैसा निर्धारण करें, कैसे मेजर करें क्वालिटी को, अपने मैं तो कहूंगा मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो सबसे, हर आदमी सोचता है अपने आप को कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा महान आदमी हूं। फिर दूसरे क्या कह रहे हैं आपके बारे में, दूसरे कहेंगे यार ये तो बहुत, अब क्या बताएं। तो आपका जो निर्धारण है, आपकी जो क्वालिटीज निर्धारित करते हैं, हम स्वयं नहीं निर्धारित करते, वो समाज निर्धारित करता है। अगर हम पर्सनल बात करें, इसी तरह कंपनी में भी हम तो कह लें कि हमारी 100% क्वालिटी है, कस्टमर निर्धारित करेगा कि आपकी क्वालिटी 100% है कि 60%। सो हमको क्वालिटी मेजर करनी है कस्टमर की नजरों से, अपनी नजरों से नहीं, कस्टमर की नजरों में हमें ऊंचा बनना है। हम तो अपनी नजरों में कितने ही अच्छे हों, लेकिन कस्टमर कहता है कि नहीं जी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, इसका मतलब है हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो दो तरीके हैं इसमें, या तो कस्टमर्स को कस्टमर को समझा दीजिए कि नहीं जी ये क्वालिटी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसी को आप एक्सेप्ट कीजिए। या तो एक तरीका है जिसमें आप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब तक कस्टमर नहीं कहेगा तब तक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और आपको उसी तरह से मेजर करना है जैसे कस्टमर देखता है, तो कस्टमर की नजरों से अपनी क्वालिटी मेजर होगी। तो जब हम सिग्मा लेवल निर्धारित करेंगे, सिग्मा लेवल हम सीखेंगे ये शायद आज या दूसरे दिन, उस समय हम देखेंगे कि किस तरह से गलती का गलती या त्रुटि का निर्धारण कैसे होगा, कस्टमर की नजरों से होगा। कस्टमर ही निर्धारित करेगा कि आपका कार्य उत्कृष्ट है या इसमें काफी उम्मीद है इंप्रूवमेंट की। हर चीज जो है लीन सिक्स सिग्मा में, जो भी चीजें होती हैं वो सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, फैक्ट बेस्ड, डेटा ड्रिवन, मतलब कुछ भी अनुभव के आधार पर नहीं है। अनुभव का हम का आदर करेंगे लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। अनुभव का आदर होता है लेकिन उसका विश्वास नहीं होता, विश्वास होता है सिर्फ डेटा का, आंकड़ों का। आंकड़े लाइए, आंकड़ों पर हम विश्वास करेंगे,
एडवर्ड डेमिंग नाम के क्वालिटी गुरु थे, वो उनका एक बड़ा बड़ा प्रसिद्ध मेरे ख्याल से उक्ति है उनकी के मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, दूसरे अन्य लोगों को आंकड़े दिखाने होंगे, मेरा विश्वास भगवान पर है, बाकी जो दूसरे लोग हैं जो भगवान नहीं है अगर वो चाहते हैं कि मैं उन पर विश्वास करूं तो उनको आंकड़े दिखाने पड़ेंगे, तो मैं उन पर विश्वास नहीं करने वाला जब तक कि वो आंकड़े ना दिखाएं। तो अगर आप कुछ कहते हैं नहीं नहीं यकीन कीजिए ये ऐसा ही है, तो अगर आप भगवान नहीं तो मैं आप पे यकीन नहीं करूंगा। इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट अदर्स ब्रिंग डेटा। इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट अदर्स ब्रिंग डेटा। ये उन्होंने कहा कि अगर मैं भगवान पर यकीन करता हूं, बाकी दूसरे लोगों को मुझे आंकड़े दिखाने होंगे अगर वो चाहते हैं कि मैं उन पर यकीन करूं। तो हर चीज आप देखेंगे, जब भी हम कहेंगे, बहुत सारे हम टूल्स देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कभी मेजर करेंगे क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी किस तरह से मतलब मेजर कर रहे हैं, सब चीजें आंकड़ों के आधार पर। 85% कारण फेलियर के जो हमारे प्रोसेस फेलियर 85% 85% ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इज डेफिशिएंसी इन द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। आपकी खामियां सिस्टम में है, प्रोसेसेस में है, आपकी प्रक्रियाएं ही गड़बड़ हैं, तरीके गड़बड़ हैं, लोग गड़बड़ नहीं हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बुर्ज खलीफा एक सबसे मेरे ख्याल अभी भी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड उसका टूटा नहीं है, तो टूटने ही वाला है जल्दी, लेकिन तो सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। ये 2007 या 8 की बात है, तो मैं बुर्ज खलीफा के आसपास उन दिनों चक्कर लगाता था। उन दिनों हम स्थापित कर रहे थे अपनी कंपनी मिडिल ईस्ट में, तो ऑफिस कभी ऑफिस पता कर, तो मैं उस समय अकेला ही था, मतलब हमारी कंपनी में आज तो बहुत लोग हैं लेकिन उस समय मैं अकेला ही था, अकेला पहुंच गया था वहां पे। तो जब स्थापना का काम चल रहा था, वो जब हमारी कंपनी की भी स्थापना मिडिल ईस्ट में हो रही थी, तो मैं देखता था कि बुर्ज खलीफा बन रहा था, उन दिनों वो खड़ा हो रहा था, और अधिकतर जो वर्कर्स थे वो सब भारत के थे, बांग्लादेश के थे, नेपाल के थे, श्रीलंका के थे, पाकिस्तान के थे अधिकतर। आज भी अगर जाएं आप बुर्ज खलीफा अगर जाते हैं तो उसके फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे, फ्लोर का नाम भूल गया, लेकिन वहां भी आज लोगों के फोटो लगे हुए हैं कि किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया बुर्ज खलीफा बनाने में। उनके फाइनेंस डायरेक्टर इंडियन है, उनके आर्किटेक्ट बहुत सारे, मतलब उनकी प्रतिशत तो मुझे मैं कह नहीं सकूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि 90% लोग भारत या भारत के आसपास के देशों से, शायद दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% लोग तो भारत से ही होंगे। अब ये 3-4 साल पहले यही लोग तो भारत में थे, वो तो बुर्ज खलीफा खड़ा नहीं कर पाए, 2006-07 की बात कर रहा हूं, लोग तो वही हैं, लेकिन वो बुर्ज खलीफा खड़ा हो रहा है दुबई में। तो समस्या लोगों में नहीं है, हम ये नहीं कह सकते इस देश के लोग खराब हैं, सिस्टम, कई बार सुना होगा ना, सिस्टम खराब है, प्रोसेसेस में प्रॉब्लम्स हैं, प्रोसेसेस बदलिए, सिस्टम बदलिए, यही लोग आपको जादू दिखा देंगे, आप उम्मीद नहीं करेंगे, यही लोग इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देंगे कि आप कहेंगे ये लोग थे जो 10 साल पहले मतलब इतनी खराब प्रोडक्ट्स देते थे। तो सिस्टम एंड प्रोसेस, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी टूल्स और टेक्निक्स हैं, जितने भी आप सीखेंगे लीन सिक्स सिग्मा में, कहीं पर भी दोष व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा,
कहीं पर भी दोष व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, हमेशा दोष प्रोसेस को या तो मशीन का दोष। अगर व्यक्ति भी आप कहेंगे नहीं, अब अगर आदमी काम ही ना करे तो उसको काम ही तो मैं ये कहूंगा कि यही आदमी किसी और प्रोसेस में या किसी और कंपनी में दुगना काम करेगा, यही आदमी। कभी कभी होता होगा ना कि आप देखो ये आदमी या जब तक हमारे साथ था तो ये तो कुछ करता नहीं था, अब देखो मतलब ऐसा लगा सुबह से लेके शाम तक लगा रहता है। क्या बदला? आदमी नहीं बदला। आदमी को बदलना बहुत मुश्किल है, दोनों तरह से मुश्किल है। आदमी बदलना मतलब आदमी को आंतरिक तौर पे बदलना, और आदमी बदलना मतलब मुझे तुम नहीं चाहिए मैं दूसरे आदमी को रख लूंगा, ये भी मुश्किल है। मतलब रिप्लेसिंग द पीपल कि भाई तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो मैं तुम्हें निकाल देता हूं मैं दूसरे को रख लूंगा, ये भी मुश्किल है क्योंकि वो एक को निकालोगे दूसरा जब तक ट्रेन होगा। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी में आप जानते हो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी लॉयल्टी, ये सबसे ऊपर आती है। उस दिन मैं टाटा का इंटरव्यू पढ़ रहा था, रतन टाटा का, वो कह रहे थे, उनसे पूछा गया कि ये जो जो हमला हुआ बंबई में तो ताज होटल के जो कर्मचारी थे वो सब होटल में ही थे, मतलब कोई भागा नहीं, वो गेस्ट को बाहर निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, सबसे पहले तो आदमी अपनी जान बचाता है दूसरों को थोड़ी मदद करता है। कभी भी सब किसी कंपनी में हमला हो गया किसी होटल में हमला हो सबसे पहले तो आदमी बोला कि भाई मैं अपनी जान बचाऊं। और एक और उन्होंने स्टोरी बताई थी, मैं नाम भूल गया उन व्यक्ति का, उनके एक मैनेजर थे, उनकी फैमिली भी वहीं उसी होटल में थी और उनकी फैमिली उस आतंकी हमले के दौरान उनकी पत्नी की शायद मृत्यु होगी शायद बच्चों की मृत्यु होगी, लेकिन वो मैनेजर फिर भी बाकियों की मदद कर रहा था। और ऐसा ही नहीं, जितने भी नए कर्मचारी थे पुराने कर्मचारी थे सारे लोग गेस्ट की मदद कर रहे थे, कोई वहां से भागा नहीं। तो उनसे पूछा गया कि ये कैसे संभव है, तो उन्होंने कहा प्रोसेस क्या है। हमारा जो इंटरव्यू तरीका होता है हमारी कंपनी में बड़ा सीधा सा सरल सा, एक हमने इंटरव्यू के दौरान ही हम देख लेते हैं, और इंटरव्यू के दौरान नहीं देख लेते तो एक महीने में दो महीने में देख लेते हैं के व्यक्ति ऑनेस्ट होना चाहिए लॉयल होना चाहिए। लॉयल और ऑनेस्टी सबसे पहले, बाद में आप मैकेनिक हो होटल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो एमबीए हो इंजीनियर हो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी आपकी चेक करते हैं, अगर आप वो हैं बाकी तो हम आपको काम सिखा देंगे। काम सिखाने में तो समय नहीं लगता है, आप ट्रेनिंग दे देंगे जो है, लेकिन भाई आपको ईमानदारी कहाँ से सिखाएंगे, तो हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस है वो ऐसी है एम्प्लॉय सिलेक्शन की कि हमारी प्रोसेस ऐसी है कि हम हमेशा ऐसे ही लोगों को लेते हैं और रखते हैं जो ईमानदार हो और अच्छे हो स्वभाव से अच्छे, और जब वो ऐसा होता है तो हम इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं। व्यक्ति को बदलना मुश्किल है। मैंने एक और घटना बताता हूं आपको। मैं नागपुर में पला बड़ा हूं, मैं पैदा तो हुआ था उचेरा में सतना में, लेकिन बाद में जब मैं 5-6 साल का था तो नागपुर आ गया था, तो नागपुर में पला बढ़ा हूँ। तो वहाँ पर सेंट्रल स्कूल में मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और 10th हमारा 1984 में मैंने 10th कंप्लीट किया। उसके बाद मैं करीब 30-35 सालों के बाद मैं जब जेद्दा में किसी कंपनी में कंसल्टिंग कर रहा था तो मुझे पता लगा कि मेरा स्कूल का एक मित्र है मनीष गोदरे, वो जेद्दा में है। तो मैंने कहा चलिए मिलते हैं, अब आजकल तो इंटरनेट आ गई है फेसबुक पे पता लग जाता है कौन कहाँ पर है, तो हमने कहा चलिए मिलते हैं। हम मिले तकरीबन समझ लीजिए 36 साल पुरानी बात है, तो करीब 30 सालों के बाद मिले। 30 सालों के बाद मिलने के बाद पहले शब्द हमारे जो थे, अब हमने खाना वाना खाया बातें बातें की, पहले शब्द दोनों के यही थे। मैंने कहा यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, तू तो वही मनीष है।
और मनीष ने भी कहा कि यार अमिताभ तू तो वही अमिताभ है। अब आप समझिए कि 30 साल हो चुके थे, मैंने इतनी डिग्रियां ली, मैंने इतनी कंपनियों में इतने फोटो खिंचाए, इतने सारे वीडियो बना बना कर लोगों को बताया कि भाई देखिए मैं ये हूं मैं वो। इतना होने के बाद भी, इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद मनीष ये कह रहा है कि यार अमिताभ तू तो वही अमिताभ है, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। और मैं भी मनीष से कह रहा हूँ कि यार तू तो वही मनीष है, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। और हम ये कल्पना करते हैं कि मेरा एम्प्लॉई को मैं एक ट्रेनिंग दे दूंगा और वो कल से आज प्रोडक्टिविटी उसकी दुगनी हो जाएगी। कभी नहीं होने वाला। आपको प्रोसेस बदलनी होगी, प्रोसेस बदलनी होगी, प्रोसेस ही। और हाँ, अगर ट्रेनिंग लेनी है तो प्रोसेस बदलने की ट्रेनिंग लीजिए, जो हम आप ले रहे हैं लीन सिक्स सिग्मा, कैसे प्रोसेस बदला जाए, रूट कॉजेस कैसे आइडेंटिफाई किए जाए। तो ये होता है आपका emphasizing on the processes rather than people. Manager's role is to promote process improvement rather than sirf employee ko dosh dete rahe ki bhai hamare log to kaam hi nahi karte, process badliye, dekhiye wahi kaam karenge. So hum lean six sigma mein kya karte hain? Lean six sigma mein jo infrastructure create hota hai wo aisa hai: green belt, black belt, मास्टर ब्लैक बेल्ट, व्हाइट बेल्ट। तो ये जो बेल्ट हैं, बेल्टों के अलग अलग प्रकार जो हैं, ये हैं नॉलेज बेस्ड, नॉलेज ऑफ लीन सिक्स सिग्मा। आपका सिक्स सिग्मा के बारे में कितनी जानकारी है, उस आधार पर ये निर्धारण होता है कि आप किस श्रेणी में आते हैं, व्हाइट बेल्ट में आते हैं, येलो बेल्ट में आते हैं, ग्रीन बेल्ट में आते हैं, ब्लैक बेल्ट में आते हैं कि मास्टर ब्लैक बेल्ट में। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसे अब इस समय इस स्थिति में हम कह सकते हैं आप व्हाइट बेल्ट हैं, एक आध और घंटे में आप कह सकते हैं येलो बेल्ट हो गए, चार पांच दिन के बाद, मतलब तकरीबन 3 दिन तक अगर आप पूरी 8-9 घंटे की ट्रेनिंग लें तो आप ग्रीन बेल्ट हो जाएं, या इसी ट्रेनिंग को आप 5 दिन में ले सकते हैं, उसको कम समय में, कब के 10 दिन भी ले सकते हैं, जैसा भी होता है जैसी स्थिति, लेकिन तकरीबन 24-25 घंटे लगते हैं आपको ग्रीन बेल्ट बनने, 24 घंटों का आपको की पढ़ाई करनी होती है तो आप बन जाते हैं ग्रीन बेल्ट। कुछ व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट में आपको सिर्फ बताया जाता है कि सिक्स सिग्मा क्या है, ग्रीन बेल्ट में आपसे करवाया भी जाता है। आप जब कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम सिखाया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आप भी बनाइए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, पारेटो चार्ट आप भी बनाइए। फिर आपसे कहा जाएगा कि बना तो दिया, सीख तो लिया, अब आपका उसका प्रयोग कीजिए, अपनी प्रोसेस में जाइए और एक किसी समस्या को उठाइए और बताइए कि इस समस्याओं का कारण क्या है। और उस समय जब कारण आप जान रहे हो तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम लगाइए। पारेटो चार्ट सिखाया जाएगा लेकिन आपसे कहा जाएगा आप जाके इस पारेटो चार्ट का प्रयोग कीजिए। ये हो गया ग्रीन बेल्ट। और ब्लैक बेल्ट में भी वही है, ब्लैक बेल्ट में सिर्फ आपको जो कुछ एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स बताए जाते हैं, थोड़ी हाई एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स बताए जाते हैं। और मास्टर ब्लैक बेल्ट में अगर आपको दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को सिखाना है, दूसरों को कंसल्ट करना है, तो आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं, किस तरह से दूसरों को कंसल्ट कर सकते हैं, दूसरों की समस्याएं किस तरह से सुलझा सकते हैं, लीन एंड सिक्स सिग्मा कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग कंपनीज में। जैसे कि हम लोग मास्टर ब्लैक बेल्ट हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट पढ़ाते हैं, कंसल्ट करते हैं और कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। ना प्रोसेस ओनर कौन है? प्रोसेस ओनर वो है जो उस प्रोसेस को मैनेज करता है जिस प्रोसेस में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है? प्रोसेस में हो रहा है। प्रोजेक्ट अलग है, प्रोसेस अलग है। मेरे ख्याल से वो इसका जो अंतर है समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस अलग है प्रोजेक्ट। प्रोसेस होती है निरंतर प्रक्रिया जो आप कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, खाना मैं रोज खाता हूँ, ये होगी प्रोसेस। खाना खाना प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं घर खरीदता हूँ तो ये प्रोजेक्ट है। मतलब एक ही बार घर खरीदते हैं, मतलब अधिकतर लोग तो एक ही बार करते हैं। अब अगर कुछ लोग रोज घर खरीद रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये खरीदा वो बेचा, ये खरीदा वो बेचा, तो वो उनके लिए प्रोसेस हो गई। लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए घर खरीदना एक प्रोजेक्ट है। एक बार मतलब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी एंड पॉइंट है।
सो प्रोजेक्ट होता है वन टाइम एक्टिविटी, प्रोसेस होती है निरंतर प्रक्रिया, प्रोसेस ओनर होता है उस प्रोसेस का मैनेजर जिस प्रोसेस में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरी जैसे एक छोटी सी खाने खाना रेस्टोरेंट है, खाना खिलाने की आप खाना मैं लोगों को देता हूं, अगर ऐसे रेस्टोरेंट है नहीं मेरी, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं लोग आ रहे हैं खाना खा रहे हैं और पे कर रहे हैं, ये जो बिजनेस है हम इसको प्रोसेस कहेंगे। क्योंकि ये बार बार हो रही है। अगर कोई सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट करता है मेरे होटल में कि आपको कोई कस्टमर ऑर्डर करता है और आप जनरली उसका ऑर्डर 20 मिनट या मेरे ख्याल से 30 मिनट में तैयार करके लाते हैं, कस्टमर बड़ा परेशान हो जाता है, 30 मिनट लग गए खाना आपके दूसरे होटल में देखिएगा या किसी आपके कॉम्पिटिटर के होटल में तो 20 मिनट में मिलता है, तो वो 30 मिनट जो ले रहा हूं मैं कस्टमर के लिए खाना बनाने के लिए, उसको सर्व करने के लिए, 30 मिनट को मैं 20 मिनट कैसे थी? कि प्रोसेस ओनर मैनेजर ऑफ द प्रोसेस होता है। तो अगर मैं रेस्टोरेंट का जो एग्जांपल दे रहा था उसको मैं कंटिन्यू करूं, सो अगर मैं 30 मिनट को 20 मिनट करना चाहता हूं तो वो हो जाएगा प्रोजेक्ट। किस प्रोसेस में करना चाहता हूं? सर्विंग द कस्टमर। कस्टमर हम लोग जैसे खाना बना के थे तो खाना तैयार करने करके और कस्टमर को देने के का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं इंप्रूव करूंगा 30 मिनट से 20 मिनट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट होगा 30 मिनट से 20 मिनट करना, ये हुआ प्रोजेक्ट। और किस प्रोसेस में करूंगा? खाना सर्व करने के प्रोसेस। तो मेरा ख्याल से ये चीज आपको समझ। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट निर्धारित तो होता है कि आपको सिक्स सिग्मा का कितना ज्ञान है। लीन सिक्स सिग्मा का जितना ज्यादा आपको ज्ञान हो उस हिसाब से आप व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट होंगे। प्रोसेस ओनर होता है मैनेजर जिसकी प्रोसेस में आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। जैसे मैंने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया कि अगर आप 30 मिनट से 20 मिनट सर्विंग टाइम अगर कम करना चाहते हैं तो 30 मिनट से 20 मिनट कम करने का जो आप प्रकल्प लेंगे, परियोजना करेंगे, वो होगी प्रोजेक्ट। और प्रोसेस क्या होगी? सर्विंग द कस्टमर। सो प्रोसेस और प्रोजेक्ट दोनों अलग होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट हमेशा प्रोसेस में होता है। प्रोसेस ओनर होता है उस प्रोसेस का मैनेजर। तो इस समय अगर रेस्टोरेंट केस में मैं कहूंगा कि रेस्टोरेंट मैनेजर जो होगा, ये जो पर्सन द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर द होल कस्टमर प्रोसेस और मे बी शेफ भी हो सकता है, अगर शेफ हेड कर रहा है ये प्रोसेस, तो प्रोसेस ओनर शेफ भी हो सकता है, प्रोसेस ओनर रेस्टोरेंट मैनेजर भी हो सकता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोजेक्ट। चैंपियन या स्पॉन्सर इज सीनियर मैनेजमेंट, लाइक उस मैनेजर का जनरली जो बॉस होगा अधिकतर वो चैंपियन और स्पॉन्सर होगा। सो चैंपियन और स्पॉन्सर हमेशा सीनियर मैनेजमेंट से आते हैं, वो प्रोजेक्ट में डे टू डे बेसिस पे भाग नहीं लेंगे। चैंपियन और स्पॉन्सर को जानकारी होगी कि हाँ ये प्रोजेक्ट हो रहा है मेरे डिपार्टमेंट में, मेरी कंपनी में ये प्रोजेक्ट हो रहा है, और बीच बीच में वो इसकी खबर रखेंगे, और अगर ग्रीन बेल्ट ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको भी मतलब दिशा निर्देश देंगे कि भाई आप, या कहीं उनको परेशानी हो रही हो ग्रीन बेल्ट्स को किसी चीज में, कहीं दिक्कत आ रही हो तो उस दिक्कत का को हल करने के लिए वहां पर वो अधिकतर मदद करेंगे ग्रीन बेल्ट्स की। तो चैंपियन और स्पॉन्सर, और या फिर बजट, अगर कभी कभी ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ सुझाव देते हैं,
उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उस पैसे को अप्रूव करेंगे चैंपियन या स्पॉन्सर। सो प्रोसेस ओनर, चैंपियन, येलो बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट, प्रोसेस ओनर। और सबसे जो महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो तत्व जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लीन सिक्स सिग्मा को सफल बनाने के लिए, वो है लीडरशिप, सीनियर मैनेजमेंट। यदि सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट होगा तो हर चीज, सिक्स सिग्मा ही क्या, हर चीज अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लीन सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट करने के लिए। जब हम लीन सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट करते हैं तो हम पांच फेजेस में प्रोजेक्ट करते हैं। पहला है डिफाइन फेज, दूसरा है मेजर फेज, तीसरा है एनालाइज फेज, चौथा है इंप्रूव फेज और पांचवा है कंट्रोल फेज। डिफाइन फेज, मेजर फेज, एनालाइज फेज, इंप्रूव फेज और कंट्रोल फेज, इसको आमतौर पर डीमैक भी कहा जाता है, DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, डीमैक। तो आइए देखते हैं कि डीमैक एक प्रोजेक्ट, किसी एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, डीमैक प्रोजेक्ट का। तो हमें उसको अच्छी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इससे पहले कि मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊं, डिफाइन फेज मतलब आप एक गोल निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे करना क्या है। पहले हम लिखते हैं कि समस्या क्या है और मुझे करना क्या है। तो ये लक्ष्य निर्धारण का जो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो होती है डिफाइन फेज। फिर हम एक टीम बनाते हैं, डिफाइन फेज में टीम भी बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट चार्टर लिखते हैं और उसके बाद हम ये पता करते हैं कि कस्टमर को किस चीज से समस्या आ रही है और उसकी समस्या को हम समझते हैं। कभी कभी उससे पता भी करते हैं कि कभी कभी पूछते हैं कि आपको हमारी किन चीजों में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लग रही है, तो बताएगा, तो हम उसको कहते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर। सो ये तीन चीजें जो होती हैं वो डिफाइन फेज में करते हैं। मेजर फेज में हम करते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। उसके लिए हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे कि हमारा आज कितने दिन लग रहे हैं हमें एक काम करने के लिए, और या हमारी क्वालिटी का परसेंटेज कितना है। ये होता है मेजर फेज। एनालाइज फेज में हम ये पता करते हैं कि हमारी क्वालिटी सिर्फ 70% क्यों है, हमारी क्वालिटी या 80% क्यों है, मतलब कम क्यों है। और ये भी पता करते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है। इस फेज में हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि किस तरह से, सबसे पहले हम सभी कारणों को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जितने भी कारण है सबको एक लिस्ट करते हैं, फिर उसमें से उन कारणों का चुनाव करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्रॉब्लम के लिए। फिर हमको जब मुख्य कारण पता लग जाते हैं, रूट कॉजेस पता लग जाते हैं, तो हम उन्हें इम्प्रूव करने की दिशा में उसके लिए कुछ करते हैं, सजेशंस देते हैं, आइडियाज देते हैं, और जो सुझाव हैं जो मान्य होते हैं मैनेजमेंट को, उन सुझावों को हम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्रूव फेज में। और कंट्रोल फेज में हम ऐसे कुछ तरीकों को स्थापित करते हैं जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो हमेशा के लिए रहे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमेशा के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ इम्प्रूवमेंट कर लिया, 4-5 महीने तो सब ठीक रहा, उसके बाद फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी, तो ये नेचुरली कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो हम अपना जो इम्प्रूव्ड स्टेट है वो बरकरार कैसे रखें,
महीना दर महीना, साल दर साल हम उसको किस तरह से बरकरार रखें, ये चीज निर्धारित होती है आपकी। कंट्रोल फेज में तो आइए सबसे पहला पता करते हैं डिफाइन फेज में क्या किया जाता है। द डिफाइन फेज, आज हमारा फोकस है डिफाइन फेज, अधिकतर हम डिफाइन फेज के बारे में बातें करेंगे। डिफाइन फेज में जो जो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें हमें करनी होती है के बारे में अभी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं डिफाइन फेज। हमें तीन चीजें करनी है डिफाइन फेज में, एक है साइपॉक, एक है CTQ और एक है प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, जब हम शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट, तो जनरली प्रोजेक्ट चार्टर से शुरुआत करते हैं, कभी प्रोजेक्ट चार्टर से शुरुआत करते हैं, कभी साइपॉक से करते हैं। यदि आप बहुत अनुभवी ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट हैं तो कभी कभी साइपॉक से शुरुआत कर देते हैं, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं या किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पहली बार कर रहे हैं, तो हम प्रोजेक्ट चार्टर से शुरुआत करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स सीखना प्रोजेक्ट चार्टर के साथ। और पहले हम तो मेरे ख्याल से एक अच्छा एक उदाहरण अगर मैं आपको दिखा दूं एक किसी लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि डिफाइन फेज में क्या होता है। और ना सिर्फ डिफाइन फेज, मेरे ख्याल से एक ये अच्छा होगा कि मैं आपको एक पूरा डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव कंट्रोल एक पूरा प्रोजेक्ट दिखा दूं, और हो सकता है मैं दो प्रोजेक्ट दिखा दूं जिससे कि आपको पूरा पता लग जाए डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव कंट्रोल किस तरह से फॉलो किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो मैं चलिए दो प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको पहले, उसके बाद फिर हम सीखना शुरू करेंगे प्रोजेक्ट चार्टर। फिर हम प्रोजेक्ट चार्टर की एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ हम ऐसा करेंगे प्रोजेक्ट चार्टर और साइपॉक सीख लेंगे, और उसके बाद उसके साथ फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे प्रोजेक्ट चार्टर और साइपॉक की। और CTQ अधिकतर ब्लैक बेल्ट में ज्यादा रिलेवेंट होता है, लेकिन ग्रीन बेल्ट को मालूम होना चाहिए कि CTQ क्या है, तो हम वो भी पता करेंगे कि हमें वॉइस ऑफ कस्टमर कैसे कलेक्ट करनी होती है, और फिर हमें उसको किस तरह से मेजर करना होता है। क्योंकि कहा जाता है कि यू कैन नॉट इम्प्रूव इफ यू कैन नॉट मेजर, एंड द सेकेंड रूल इज एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। तो एक तरह से कह लें कि अगर आप किसी चीज को नाप नहीं सकते तो उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। सो अगर आपको किसी चीज को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले उसे मापना होगा। जैसे अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है स्वास्थ्य सुधारने के लिए, तो सबसे पहले आपको वेइंग मशीन लानी पड़ेगी, पता तो चलेगी भाई वेट कितना है, उसके बाद ही आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह आपको हर चीज को नापना जरूरी है, हर चीज को आपको नापना होगा। तो हम ये निर्धारित करेंगे कि हम नापेंगे कैसे, जो भी समस्या है उसको हम कैसे नापेंगे। तो वो चीज निर्धारित किस तरह से नाप का निर्धारित कैसे निर्धारण कैसा होगा वो हम देखेंगे मेजर फेज में, जब हम टू टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में बातें करेंगे। तो मैं दिखाता हूं आपको एक प्रोजेक्ट, बल्कि मेरे ख्याल से दो प्रोजेक्ट दिखा दूंगा जिससे आपको एक पक्का आभास हो जाए कि एक डीमैक प्रोजेक्ट होता कैसे। पहले मैं आपको एक किसी रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम का एक प्रोजेक्ट दिखाता हूं, उसमें डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल कैसे हुआ। एक इंजीनियरिंग कंपनी थी, उसमें वहां पे वो रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम कम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम जो 60 दिनों से ज्यादा वो ले रहे थे एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने के लिए, तो उसको वो कम करना चाहते थे। तो उसको उसका एक उदाहरण दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रेलवेज में किस तरह से
एक प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हुआ, उस प्रोजेक्ट को भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं एक रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम का प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में तो ये बहुत एक नामी कंपनी है, तो यहाँ पर इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए, कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का चुनाव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबको मालूम होती है कि क्या होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो पहले क्योंकि अभी हमें समझना है डीमैक, बजाय इसके कि वो प्रोसेस पे ध्यान देने के बजाय अभी हमें पहले डीमैक समझना है। पहले डीमैक समझें, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स, हल्का सा, हल्की सी एक बड़ी कह रहे कि 50,000 फीट व्यू एक आपको एक नजारा मिल जाएगा कि डीमैक क्या होती है। तो दो प्रोजेक्ट्स देख के आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि डीएमएआईसी क्या होता है, उसके बाद आप आराम से उसको हर फेज में क्या क्या टूल्स हैं टेक्निक्स हैं वो आराम से आप समझ सकते हैं। तो इसमें अभी डीमैक प्रोजेक्ट का प्रोसेस का और फेजेस का प्रयोग किया गया, और जैसे कि हर प्रोजेक्ट में होता है हमेशा आपको डिफाइन मेजर एनालाइज अप्रूवल कंट्रोल हमेशा दिखाई देगा हर प्रोजेक्ट में। तो पहले डिफाइन फेज में एक लोगों की टीम बनाई गई कि कौन लोग इस टीम में होंगे। सो प्रोसेस का नाम ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एचआर डायरेक्टर इनके जो थे वो चैंपियन बने, प्रोसेस स्पॉन्सर और चैंपियन, और प्रोसेस ओनर जो है रिक्रूटमेंट मैनेजर इनके प्रोसेस ओनर है। मास्टर ब्लैक बेल्ट, मैं मास्टर ब्लैक बेल्ट था क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया था। टीम शशि पिल्लई और राजीव टेके, तो इन्होंने ये ग्रीन बेल्ट थे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट या कई नई नई पहली बार सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप बनाते हैं प्रोजेक्ट चार्टर। सो प्रोजेक्ट चार्टर में आप लिखते हैं कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं और गोल स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं और गोल स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप लिखेंगे कि उसको जितना अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे, समाधान नहीं लिखेंगे कि इसका प्रॉब्लम, इसके इसके कारण भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ समस्या लिखेंगे कि हमें आज इस पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट टाइम को 60 दिन से ज्यादा लग रहा है, 60 दिनों से ज्यादा हमें समय लग रहा है किसी नए एम्प्लॉई को रिक्रूट करने में, ये होगी समस्या। अब यहां ये नहीं लिख रहे हैं कि क्यों लग रहा है, या ये भी नहीं लिख रहे हैं कि हमें नया कुछ प्रोसेस स्थापित करना चाहिए या हमें कुछ नई मशीन का प्रयोग करना चाहिए या हमें नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ लिखा है कि हमें आजकल 60 दिनों से ज्यादा समय लग रहा है नए एम्प्लॉई को रिक्रूट करने के लिए। गोल स्टेटमेंट क्या है, गोल स्टेटमेंट है हम पहुंचना कहां चाहते हैं, हमें आजकल 60 दिनों से ज्यादा लग रहा है, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि इस हमें सिर्फ हम मैं जो 60 दिन से ज्यादा लग रहा है वो 60 दिन से कम लगेगा, तो ये हमारा गोल स्टेटमेंट। और हमेशा कभी कई बार हम बहुत स्पेसिफिक लिखते हैं कि आज कल 70 दिन लग रहे हैं औसतन, इस 70 औसत दिनों को मैं 40 दिनों में कम करना चाहता हूँ, 40 दिनों तक करना चाहता हूँ 3-4 महीनों में। तो 3-4 महीने हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तब तक हमारी प्रोसेस इंप्रूव हो चुकी होगी और जो 75 जो दिन और 70 दिन जो लग रहे हैं वो सिर्फ 40 दिन लगेंगे। तो इस तरह से आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। अभी हमारा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है तो हमें मालूम नहीं कि हमारी बचत कितनी होगी, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमने 70 या 75 दिनों से 40 दिन कर दिया तो ये तो इंजीनियरिंग कंपनी है, तो हम एक महीने में एक इंजीनियर
को हम बिलिंग करते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कंपनी है तो क्लाइंट को बिल करते हैं कि एक इंजीनियर के हम इतने पैसे लेंगे। तो अगर एक इंजीनियर को हमने 30 दिन कम कर दी, तो हमें अगर ऐसे ही 10 इंजीनियर रिक्रूट करने में हमने 30 दिन कम किए तो कितना हमें फायदा होगा फाइनेंशियली। हमेशा पैसे की बात जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया पैसे की भाषा समझती है। तो अगर आप लिखेंगे कि मेरे प्रोजेक्ट से 5 लाख रुपए का फायदा है, 10 लाख रुपए का फायदा है, कभी कभी 5 करोड़ रुपए का फायदा है, तो सभी लोगों के कान खड़े हो जाएंगे और सभी लोग सपोर्ट भी करेंगे आपको। या फिर अगर आप कहेंगे मैं एक ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे हाँ जी करो, बिल्कुल बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मैं एक ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो 1 करोड़ की बचत करेगा, हमारी सालाना 1 करोड़ की बचत करेगा, तो लोग एक बार दोबारा जरूर देखेंगे आपको। या फिर ये कहेंगे, अगर सीनियर मैनेजर है तो कहेगा कि अगर आपको किसी सहयोग की आवश्यकता हो तो जरूर आप मुझसे अवगत कराएं, और मैं आपके लिए हमेशा कोई भी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप मेरे पास बेहिचक आ सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, सपोर्ट मिल रहा है आपको और चेंज मैनेजमेंट के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैं 1 करोड़ बचाने वाला हूं, तो लोग सुनेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सहयोग देंगे। लेकिन आप सिर्फ ये कहेंगे कि मैं ग्रीन बेल्ट हूं और मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो लोग कहेंगे जी बिल्कुल कीजिए, और मतलब हमें इंतजार है आपके प्रोजेक्ट का। तो कई बार पैसे नहीं बचेंगे लेकिन कस्टमर खुश होगा, तो उसको भी आप लिख सकते हैं यहां पे कि मैं जब प्रोजेक्ट ये करूंगा, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो कस्टमर हो सकता है पैसे, मेरे पैसे नहीं बचेंगे, मेरी कंपनी को जैसे कहीं से 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले, लेकिन कस्टमर को बड़ी खुशी मिलेगी। और कस्टमर ने हमसे कहा भी है कितने वर्षों से शिकायतें कर रहा है कस्टमर कि आप बहुत देरी कर रहे हैं, आप कई बार गलत प्रोडक्ट हमको दे देते हैं। तो ये कस्टमर खुश होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इजाफा होगा। अगर ये भी होता है और ये भी अगर सीनियर मैनेजमेंट को मंजूर है तो भी ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसे बचाना है, लेकिन अगर पैसे की बात करते हैं तो हमेशा बात बन जाएगी। अगर स्कोप लिखना हो तो आपको ये लिखना होता है कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये सिर्फ इसी एरिया तक सीमित है, मैं पूरी कंपनी में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस डिपार्टमेंट में, इस एरिया में, इस प्रोडक्शन लाइन में, सिर्फ यहीं तक मेरा प्रोजेक्ट सीमित है। तो मैं जो आंकड़े इकट्ठा करूंगा, मैं सिर्फ इसी सीमा के अंदर रहकर आंकड़े इकट्ठा करूंगा, जब मैं इंप्रूवमेंट सजेस्ट करूंगा, मैं पायलट करूंगा, तो भी मैं इसी एक सीमा का निर्धारण कर सकते हैं आप कि देखो क्या होगा कि अगर आप कहेंगे कि मैं कुछ इंप्रूवमेंट करने वाला हूं, तो सब कहेंगे भाई ये भी कर लो, दूसरा 3-4 और काम आपको दे देंगे। तो आप जरूर यहां पर लिख दें कि मेरा सिर्फ 3-4 महीने में ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसी से रिलेटेड है, आउटसाइड दिस एरिया आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। फिर CTQ पर हम बाद में आएंगे। CTQ क्या होता है? CTQ होता है नाप, नाप मतलब कस्टमर को क्या चाहिए उसको हम मेजर के तौर पे जो लिखते हैं उसको CTQ कहते हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आता है हाई लेवल माइलस्टोन। इसमें डिफाइन कब करेंगे, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, ये सब कब करेंगे, मतलब आपका माइलस्टोन डेट्स क्या होगा, डिफाइन फेज आप कब तक खत्म करेंगे, मेजर फेज कब तक खत्म करेंगे, ये सब आपको लिखना होता है। तो ये इन्होंने लिखा है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट जरा फास्ट ट्रैक पे दिखाऊंगा, मतलब अभी प्रोजेक्ट दिखाने का, अभी मैं 2 प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को दिखाने का जो पर्पस है वो ये है कि आप ये समझ जाएं कि DMAIC का फ्लो क्या है, कैसा है, DMAC का फ्लो कैसा है। बाद में हम देखेंगे, बाद में हर चीज को, हर टूर को बड़े डिटेल में अच्छे से समय देकर हम सीखेंगे, वो तो खैर बाद में होगा ही, लेकिन अभी मैं आपको
डी मैग के फेजेस, अलग अलग फेजेस मैं दिखा दूंगा। सो हमने डिफाइन में हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया। एक और चीज हम करते हैं डिफाइन में, SIPOC, साइपॉक। साइपॉक कहते हैं कि हाई लेवल प्रोसेस मैप को, जो आपका प्रोसेस है उसको अगर आप एक गिद्ध दृष्टि से देखें, अगर आप कहेंगे या कहेंगे बर्ड्स आई व्यू, हम बर्ड्स आई व्यू मेरे ख्याल से ज्यादा सही शब्द होगा, कि ऊंचे, जैसे आप एरोप्लेन में जब बैठे होते हैं और लैंडिंग करने ही वाले होते हैं, तो अगर आप शहर को देखें तो शहर की बड़ी बड़ी रोड्स ही दिखाई देंगी आपको, चार पांच जो बड़ी रोड्स हैं वही दिखाई देंगी, आपको गलियां दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तब गलियां दिखाई देंगी। तो अभी आप 50,000 फीट की के ऊंचाई पर हैं और आप शहर को देख रहे हैं तो सिर्फ आपको 5-6 रोड दिखाई देंगे। उसी तरह अगर आप प्रोसेस को देखें और सिर्फ 4-5 जो मेन स्टेप्स हैं, अगर आप उसके बारे में आप सिर्फ उनको लिख दें तो वो स्टेप्स क्या होंगी, उन स्टेप्स को आप यहां लिखते हैं। इसको कहते हैं राइटिंग द प्रोसेस स्टेप्स इन साइपॉक। कस्टमर ऑफ कोर्स, द ग्राहक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और जैसा कि मैंने कहा, ग्राहक हमेशा बाहर नहीं होता, ग्राहक आपके कंपनी के अंदर भी होता है। आपका आपका कोई कलीग आपका ग्राहक हो सकता है, आपका इंटरनल कस्टमर हो सकता है। अगर आप अकाउंट्स में काम करते हैं तो हो सकता है कि एडमिन डिपार्टमेंट आपका कस्टमर हो, इंटरनल कस्टमर। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपका कस्टमर कौन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पे हम आप बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम की। सो रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम, रिक्रूटमेंट हम करते हैं अधिकतर डिपार्टमेंट्स के लिए, अपने आंतरिक डिपार्टमेंट्स के लिए। सो हमारा यहाँ पे इंटरनल कस्टमर होगा, हमारा आंतरिक ग्राहक होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे और हम लिखेंगे डिपार्टमेंट्स, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स, वो हमारा इंटरनल कस्टमर है। आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट हमारा आउटपुट है प्रोसेस का। हम प्रोसेस लिख दी, इनपुट्स लिख दिए, इनपुट्स क्या क्या हैं, क्या क्या जरूरी होता है प्रोसेस को, प्रोसेस स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए। और सप्लायर्स कौन है, सप्लायर्स मतलब इनपुट्स कहाँ से आते हैं, ये हमने लिख दिया सप्लायर्स में। तो ऐसा उन्होंने लिखा और ऐसा इसकी हम एक्सरसाइज भी करेंगे थोड़ी देर में। फिर हम गए कस्टमर्स के पास कि भैया कस्टमर ये बताइए कि हमारा आउटपुट आपको कैसा लगता है। तो कस्टमर कहेगा, अब भाई 2-3 चीजें कह सकता है, तो कहेगा कि हम बहुत खुश हैं आपसे, या ये कह सकता है कि भाई अपना चेहरा हमें मत दिखाइए, हमें आपसे नफरत है, या फिर कुछ अच्छे शब्दों में कह दे कि नहीं जी शायद आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट तो करना चाहिए। तो जो भी कस्टमर कहे उसे हमें सर आंखों पर लेना है। जैसे कि पहले का पहली स्लाइड में हमने बताया था कि हर चीज कस्टमर निर्धारित करेगा, आपकी क्वालिटी का परसेंटेज कस्टमर द्वारा निर्धारित है, आपके द्वारा नहीं। तो इसीलिए आप सबको कस्टमर जो कह रहा है उसे सुनना है और फिर हमें उसे नापना है। जो भी कस्टमर शब्दों में कह रहा है, जो भी कस्टमर वाक्यों में कह रहा है, उन वाक्यों को हमें एक मेजर बनाना है, एक नाप बनाना है। तो वो कैसे करेंगे, हम कहते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर ट्रांसलेटेड टू अ मेजर। तो कस्टमर कह रहा है, अरे वो रिक्रूटमेंट टीम, अरे यार आपको बोलो एक रिक्रूटमेंट करने के लिए आप मतलब सालों लेते हो उसकी। अब ये कहा कस्टमर ने। सो कस्टमर ने कहा कि आप तो यार बहुत सालों लेते हो, सालों लेते हो आप, वर्षों लग जाते हैं आपका, आदमी खोजते रह जाते हैं, हम आता ही नहीं। कस्टमर का कहने का मतलब क्या है, कस्टमर कहने का मतलब कि यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम टू रिक्रूट एन एम्प्लॉई। हम इसको मेजर कैसे करेंगे, रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम के रूप में। सो जो भी कस्टमर ने कहा उसकी फीलिंग्स को समझें,
कस्टमर तो कहता है कि साल लग जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि साल नहीं लगते, महीनों लग जाते हैं, लेकिन कस्टमर कहना क्या चाह रहा है उसे समझे। जैसे कस्टमर कहे मुझे आपसे नफरत है, तो आपको समझना है कि कस्टमर को क्यों नफरत है, उसे मेजर करें। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई आपको 1 to 10 स्केल में कितनी नफरत है मुझसे, ये भी कहा जा सकता है उसको अच्छे, अगर पॉजिटिव तौर पर 1 to 10 स्केल में आपकी मुझे कितना चाहते हैं, ऐसा भी मेजर कर सकते हैं। तो जो भी कस्टमर कह रहा है उसको हमें मेजर करना है, और फिर वो मेजर को उनमें से एक को चुनना है। तो यहाँ पे हमने कई मेजर्स थे, हमने एक को चुना, वो मेजर था रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम। और फिर हमने उसको प्रोजेक्ट चार्ट में डाला, डिफाइन फेज कंप्लीट हुआ। अब हम गए मेजर फेज में। हम तो किसी पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हम तो ग्रीन बेल्ट हैं, ग्रीन बेल्ट भाई, हम तो क्वालिटी वाले ग्रीन बेल्ट, हम तो अनुभव पर भी यकीन नहीं करते, सिर्फ भगवान पर यकीन करते हैं। अगर आपके पास आंकड़े हो तो दिखाइए, तो हम आप पर यकीन करेंगे। तो आप आंकड़े इकट्ठा करेंगे कि कहा जा रहा है कि 60 दिनों से ज्यादा लगते हैं, सच में लगते हैं क्या? और देखा गया कि भाई 100 दिन लगते हैं, 150 दिन लगते हैं, 40 तो खैर बहुत दूर की बात है, 400 दिन भी लगते हैं। काफी समस्या है। तो हम समझ रहे हैं मेजर फेज में कलेक्ट करें डेटा कि भाई सच में समस्या है क्या, और समस्या किस सीमा तक बढ़ चुकी है। बहुत है तो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। अगर थोड़ी, कभी कभी तो पता लगता है समस्या ही नहीं है, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, और जबरदस्ती इसको प्रॉब्लम का नाम दिए जा रहे हैं, कई कई बार पता लगता है। तो जो भी होता है आपको समझ में आता है मेजर में। फिर उस जो भी आप पता, यहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम इकट्ठा किया, उसको कुछ ग्राफ, उसके ग्राफ बनाए जाते हैं, तो वो हम देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। दूसरे दिन हम देखेंगे ये ग्राफ एंड चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। फिर सिग्मा लेवल का कैलकुलेशन करते हैं। सिग्मा लेवल का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि जैसे ज्यादा आपका सिग्मा लेवल होगा, उतनी अच्छी आपकी क्वालिटी है। तो 6 सिग्मा में आपकी क्वालिटी होती है 99.9999967%। मतलब एक तरह से आप, कोई त्रुटि ही नहीं होती, मतलब थ्री डिफेक्ट्स इन 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज, मतलब समझ लीजिए कि आप कभी गलती ही नहीं करते। लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, सब प्रोसेस में होती हैं, सब प्रोडक्ट्स में होती हैं, डिफेक्ट्स हर जगह होते हैं। तो हमें पता लगता है कि हम 1.5 सिग्मा पे हैं, 1.2 में हैं, 1.5 में। कई बार हम सिग्मा लेवल कैलकुलेट भी नहीं करते, हम सिर्फ क्वालिटी बता देते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह सकते थे कि 62% ऑफ द रिक्रूटमेंट्स आर टेकिंग मोर देन 60 डेज। तो ये हम देखेंगे हमारे जब मेजर फेज में हम जाएंगे, तो हम देखेंगे डिफाइन DPMO, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है एनालाइज फेज। पता तो लग गया कि समस्या कितनी गहरी है, लेकिन करें क्या? तो एक दूसरे को दोष देने के बजाय आपस में मिल बैठें और पता करें कि हमारी प्रोसेस होती किस तरह से हम लोग आजकल काम कर रहे हैं। एज इज प्रोसेस मैप, एज इज मतलब आज हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए वो नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कुछ और लिखा है और आप कर कुछ और रहे हैं। तो एनालाइज फेज में आपको वो प्रोसेस मैप बनाना है जो सच में हो रहा है। तो प्रोसेस SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, लेकिन वहां जब देखो शॉप फ्लोर पे जाके देखो तो कुछ भी कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो हमको वही लिखना है जो हो रहा है। उसके बाद जो भी हो रहा है उस हर स्टेप में हमें उन स्टेप्स को पहचानना है जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। तो हम जानेंगे, बाद में हम जानेंगे 7 या 8 तरह के वेस्ट होते हैं, जो किसी प्रोसेस में वेस्ट होते हैं, 7 या 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट।
तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये तो बेमतलब काम कर रहे हैं, ये स्टेप तो हम हटा सकते हैं, ये दो जो स्टेप है उसको हम जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। मेरे ख्याल से ये दो चीजें साथ साथ भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं। हम जबरदस्ती पहले ये करते हैं फिर वो करते हैं, भी साथ में भी कर दो। ये चार चार चीजें एक साथ ये सब करने के बजाय एक ही साथ क्यों नाम करते। तो ये सब एस्केप टेक्निक में आता है, एलिमिनेट, सिंप्लीफाई, कंबाइन, ऑटोमेट एंड पैरेलल। क्या हम हर स्टेप को हम इवेल्युएट करेंगे, क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे और फिर नई प्रोसेस का सुझाव देंगे। ये होता है प्रोसेस मैपिंग में, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कहते हैं इसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट भी कहा जाता है। एक और दूसरा तरीका होता है कि आंकड़े इकट्ठा करें और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाएं। तो पहले कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आइए, जो भी आपके मन में आ रहा हो, जो भी आपको लगता है कि इस वजह से हमारी समस्या उत्पन्न होती है, जो भी मन में आए आप इसको लिख दें। अगर पोस्टिट नोट पे लिखना है तो पोस्टिट नोट पे लिख दें, कॉपी में लिखना है कॉपी में लिख दें, एक्सेल शीट में लिखना है एक्सेल शीट में लिख दें, जहां जो जो मन में आए, जहां पर जैसा भी लगता है, बिल्कुल आप सोचे नहीं मतलब कि ये होता है कि नहीं होता है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ नहीं, जो मन में आए उस कारण को लिख दें, हो रहा हो या ना हो रहा हो सकता हो उसको भी लिख दें। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करना है वो भी लिख दें, क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट आपको ब्लेम कर रहा है, सारे कारण यहां पर उपस्थित होंगे। इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो सारे हमने इकट्ठे किए, सारे कारण इकट्ठे किए और एक टेक्निक लगाई, इसमें कहते हैं एफिनिटी टेक्निक। एफिनिटी मतलब जो एक तरह के कारण हैं, जो मशीन से संबंधित कारण हैं, उनको एक एक जगह इकट्ठा कर दिया। जो मानव स्वभाव से संबंधित कारण हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर मैनकाइंड से रिलेटेड हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। फिर हमारे जो मेथड रिलेटेड, कोई कुछ लोग हम प्रोसेस ही नहीं फॉलो कर रहे हैं या मेथड ही गलत है, मेथड रिलेटेड कारण है वो एक जगह पर आ जाएंगे। वातावरण से संबंधित, मतलब बहुत गर्मी पड़ रही है या वातावरण से संबंधित हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड कॉजेस हैं, उसको एक जगह पे। सो हर कॉज को हमने इकट्ठा करके एक जगह पे लाया। अब इतने सारे कॉजेस को तो हम नहीं कर सकते, इतने सारे 100-150 कॉज कैसे हम मतलब वैसे ही सर चकरा जाएगा कि इतने सारे कॉजेस वहीं पर हम गिव अप कर देंगे, भाई नहीं अब हमसे नहीं संभलता, इतनी सारी चीजें, इतनी समस्याएं, वैसे ही इतनी और समस्याएं हैं और इनमें से और आपने दिखा दी। तो हमें फिर परेटो याद आएंगे, परेटो, विल्फ्रेडो परेटो, जो कह गए थे 80-20% वाला सिद्धांत दे गए, जो उन्होंने कहा कि भाई घबराइए मत, 80% समस्याएं जो हैं आपकी सिर्फ 20% कारणों की वजह से हैं, तो ये 20% को खोजिए और उन पर कार्य कीजिए। 80-20 रूल, 80-20 रूल, प्रायोरिटाइजेशन। एक वाक्य याद आ रहा है कि एक बिजनेसमैन बड़े परेशान रहते थे हमेशा, बिल्कुल दुखी, परेशान, स्ट्रेस्ड कंडीशन में, हार्ट अटैक भी आ चुका था 2-3 बार, और बड़े मतलब उनके चेहरे को देखो तो हमेशा लटका हुआ। तो उन्होंने किसी सलाहकार से सलाह ली, उन्होंने किसी कंसल्टेंट से कहा कि भाई कुछ कीजिए, हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, डॉक्टर कहता है परेशान मत होइए, आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, आपके हमेशा दुखी रहते हैं। तो कंसल्टेंट ने कहा कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं एक आपको नुस्खा लिख के देता हूँ, एक पेपर पे नुस्खा दे दूंगा, उसको एक लिफाफे में डाल दूंगा, सील कर दूंगा। ये लिफाफे को आपको वहां जाकर खोलना है जहां पर आपको अच्छा लगता हो, जहां आपको प्रसन्नता मिल जाए। जैसे अगर आपको पहाड़ पे जाकर अच्छा लगता है, पहाड़ों पे चले जाइए, किसी
होटल में रुकिए और फिर आराम से वो पर्चा खोलिए। ये आपको, अगर आपको बीच पसंद है तो बीच पे चले जाइए, अपने समुद्र के किनारे बढ़िया हवा खाते हुए नजारे देखते हुए, और जब आपको बहुत खुशी मिल रही हो उस समय पर्चा खोलिए। और जो पर्चे में लिखा है सिर्फ 2 या 3 दिन तक कीजिए। अगर आपको फायदा मिले तो मुझे 5 लाख रुपए भेज दीजिए, क्योंकि 5 लाख मेरी फीस है। अब ये बिजनेसमैन काफी बड़े बिजनेसमैन थे, मतलब अरबपति थे, बिलियनेयर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कंसल्टेंट ने भी कहा कि देखिए, जब आप, अगर आपको फायदा मिले तो ही भेजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं मत भेजिए। अगर आप कहें कि ये आपने तो बिल्कुल मुझे बेवकूफ बनाया, ये तो कुछ है ही नहीं और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ आपके नुस्खे से, मैं मतलब कुछ, मैं वहीं का वहीं हूं, तो आप मत भेजिए, मतलब आप कोई मेरी एडवाइस फ्री हो जाएगी आपकी। तो ये जनाब गए, उनको बीच पसंद था, बीच में बैठे आराम से 4-5 घंटे, बिल्कुल उनको अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने पर्चा खोला, उन्होंने वो लिफाफा खोला, पर्चा देखा, उसमें लिखा था कि दिन में आपको जितने काम करने हैं सब लिख दीजिए, सब जो मन में आए दिन में, क्या जीवन में जितने काम करने सारे काम एक ही जगह पे लिख दीजिए, कुछ छोड़िए मत, एक एक काम की लिस्ट बना दीजिए। उसके बाद आप उस काम को चुनिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उस काम को चुनिए। और जैसे ही आप उस काम को चुनते हैं उस काम को करना शुरू कीजिए, जो सबसे प्रमुख, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको लगता है उसको चुनिए और उसको करना शुरू कीजिए। तो जैसे आपने 30 चीजों का लिस्ट बनाई, 30 चीजों की एक बढ़िया लिस्ट बनाई है, तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप चुनकर आप उसको करना शुरू कीजिए। उसके बाद अगर वो खत्म हो गया हो, अगर वो खत्म हो तो ही जाके दूसरे काम पर आइए, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसके बाद उसको करना शुरू कीजिए। और अगर आप लकी हैं और वो काम भी खत्म हो गया हो दिन ढलते ढलते, तो तीसरे काम पर आइए, अगर अगर नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, उस काम को पार्क कर दीजिए, मतलब कहिए कि भाई मेरा 50-60% काम खत्म हुआ और हो सकता है मैं इसको दूसरे दिन करूं, और सपोज अगर खत्म हो गया तो तीसरे काम पर चले जाइए। अधिक से अधिक आप 3 या 4 से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो बाकी के कामों का क्या करना है, बाकी के कामों का अगले दिन लिस्ट में आएंगे, वो जो बाकी के काम है वो अगले दिन लिस्ट में आएंगे, और कुछ नए और काम आ जाएंगे अगले दिन लिस्ट में। ऐसा 3 दिन तक कीजिए, और 3 दिनों तक उन महाशय ने, उन बिजनेसमैन ने बिल्कुल वो फॉलो किया, और उन्होंने पाया कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गए, नॉर्मल हो गए, क्योंकि समस्याएं समस्याओं की वजह से नहीं होती, समस्याएं होती हैं लिस्ट की, हमारे वो दिमाग में होती है, मैं ओ ये करना है वो करना है 50 चीजें करनी है, वो विचार हमें समस्या दे रहा है, जो समस्या बेचारी हो तो है ही नहीं कहीं, हम वी आर इन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, इसीलिए हम परेशान हैं। लेकिन अगर हम पेरेटो, ये पेरेटो का सिद्धांत एक तरह से इसी पर काम करता है कि सबसे बड़ी समस्या, सबसे तो प्रमुख 3-4 उन्होंने कहा 20%, तो 20% चुन लीजिए। तो हमने यहाँ पर लोगों से कहा कि आप वोटिंग कीजिए, सबके पास 10-10 वोट हैं, कोई आपको लगता है कि ये कॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको 3 वोट दे दीजिए, कोई कॉज बहुत ज्यादा लगता है या एक ही कॉज है मैं समझता हूँ यही एक मुख्य कारण है तो उसको 10-10 के 10 वोट उसी को दे दीजिए, या फिर एक एक वोट 10 कॉजेस को, जो भी जैसा भी आपको चाहे आप कर दीजिए। तो वोटिंग हुई,
फिर ग्रुप के, अच्छा हाँ ये एक अकेले नहीं करनी, अकेले तो फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट को ही ब्लेम करूंगा कि वो उस डिपार्टमेंट सारी समस्याओं की जड़ वो डिपार्टमेंट, और कोई मेरा दुश्मन तो सारी समस्याओं का की जड़ तो वो व्यक्ति है। तो ये हमेशा होता है ग्रुप में, तो इसको हमें ग्रुप में करने हैं कि पांच लोग जब होंगे तो पांच लोग बिल्कुल अनबायस ओपिनियन देंगे, मतलब ज्यादा बायस नहीं रहेंगे, और अलग अलग डिपार्टमेंट से होंगे तो बिल्कुल अच्छा है। फिर उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे करके लिस्ट किया, और एक परेटो चार्ट जो हम सीखेंगे तीसरे दिन की ट्रेनिंग में, चौथे दिन की ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि परेटो चार्ट हम कैसे बनाते हैं, 80-20 रूल, और 80-20 रूल हम कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। इन्होंने भी लगाया, इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा समस्या कब आ रही है, सीवी स्क्रीनिंग के समय सबसे ज्यादा समय लग रहा है, फिर निगोशिएशन में बहुत समय लग रहा है। तो इन्होंने बताया, तो उस कंपनी के कारण थे, तो इन कारणों के लिए मतलब वो तो उन्हीं के लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो सीखना रेलेवेंट है पेरेटो क्या है। तो हमको रूट कॉजेज मिल गए, रूट कॉजेज मिलने के बाद हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने लोगों को बुलाया, आइडिया जनरेट किए, आपकी सारी समस्याओं का हल एम्प्लॉइज के पास है, या मनुष्य जीवन की सारी समस्याओं का हल उसके दिमाग के पास है, ब्रेन के पास है, ब्रेन में सारी आइडियाज आपके पास भरी हुई है। मतलब एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मानव ने उड़ना कब सीखा, करीब 110-120 साल पहले पहली उड़ान भरी गई थी, तो 120 साल पहले ऐसा क्या हो गया कि अचानक हमारे मानव को लगने लगा कि भाई अब मैं उड़ सकता हूं, कोई नया दिमाग में कुछ नई चीज आ गई है, कुछ नया म्यूटेशन हो गया दिमाग में सडनली, कि सारी ह्यूमैनिटी के दिमाग में आ गया कि सबके दिमाग एक साथ बदल गए। दिमाग वही था 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले दिमाग वही था, कोई ऐसे कोई खास बदलाव नहीं आया है 400 साल पहले के मनुष्य के दिमाग में और आज के मनुष्य के दिमाग में, दिमाग वही है। मतलब अगर वो 500 साल पहले भी सोचता और वही तरीके का उपयोग करता जो उन्होंने 110 साल पहले की हैं, तो 500 साल पहले भी हम उड़ान भर सकते थे। तो आइडिया तो था, आइडिया तो मनुष्य में पहले से ही था, हमने उसको टैप नहीं किया। और इसी तरह सारी समस्याओं का हल, जैसे आप वैक्सीन का की बात करें, या अभी कोई नई दवाइयां आ रही हैं पैंडेमिक के लिए, तो दिमाग एक दो साल में तो कोई अचानक से नहीं बदला, आइडियाज तो पहले भी आ सकते थे, लेकिन हम फेलियर मोड्स इफेक्ट्स एनालिसिस कर सकते थे, एफएमई की इस तरह का कुछ आया तो हम कैसे इसको उसको कैसे डील करेंगे। और जब आ गया तो लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म किया और उन्होंने कहा ये करें वो करें, इस तरह से अलग अलग तरीके सुझाए गए, उसके बाद कुछ तरीकों का उपयोग करके देखा गया कि हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा। तो ब्रेन में ऑल द सॉल्यूशंस आर देयर, our brain has got all the solutions to all our problems, and our employees are the best source of those ideas. So aap unse brainstorming karwaiye. So brainstorming jab karwate hain to kuch cheezon ka hum istemal karte hain, wo hum seekhenge, wo hum seekhenge chauthe din, jo jab hum improve phase ki baat karenge ki koi idea kharab nahi hota, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में बाद में बात करेंगे। अपना सारे जो कोई कह रहा है सब चीज लिखो, ऐसा नहीं कि ओ ये खराब है आइडिया, ये यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इवेल्युएशन नहीं करना है, ये जो यहाँ लिखा है डिफर मतलब उसको आगे बढ़ा दीजिए, मतलब इवेल्युएट नहीं करना, आज नहीं इवेल्युएट करना, इवेल्युएट हम करेंगे अगले 2-3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। आज हम जब सुझावों का दिन है तो हमें सिर्फ सुझाव देने हैं, और सुझाव कैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी सुझाव दीजिए जो मन में आए, उल्टे
सीधे सुझाव दीजिए, हास्यास्पद सुझाव दीजिए, ऐसे सुझाव दीजिए जो बिल्कुल आपको भी मालूम है कभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, लेकिन जो आप हास्यास्पद सुझाव भी देंगे उन सुझावों के माध्यम से कुछ नए सुझाव दूसरों के मन में आ जाएंगे। तो ये आपको बहुत बहुत जरूरी है कि जब आप सुझाव दें, किसी को रोके नहीं, किसी को टोके नहीं, और जिसके मन में जो आ रहा है उसको बोलने दें। सबसे बड़ी समस्या हमारी जो आइडिया जनरेशन में ये होती है कि हम डिस्कस करने लगते हैं, अरे अरे ये आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होगा क्या हमारी कंपनी में, ऐसा होगा छोड़ दिए, अरे भूल जाइए कुछ भी आप कहते हैं। नहीं, आपको ये ऐसा किसी को नहीं कहना है। कोई कहे भाई रोबोट का यूज, हमें तो रोबोट लगा देने चाहिए, ठीक है लगा देने, हम लिख लें, हर चीज को लिखना है और टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है। मतलब ये नहीं कि समस्या है कि हमें अपना काम जल्दी कैसे करें, हमारी मेंटेनेंस टाइम कैसे रिड्यूस करें, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा होने लगी किसी और बात पे, इकोनॉमिक सिचुएशन पे या किसी राजनीतिक टॉपिक पे होने लगी, ऐसे नहीं। फोकस ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक है उसी के बारे में बिल्कुल बिना ब्रेक लगाए दिमाग में सोचिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम सीखेंगे कैसे करते हैं, इसके तरीके होते हैं, कुछ तरीके हम देखेंगे, 635 टेक्निक देखेंगे, राउंड रॉबिन टेक्निक देखेंगे। 635 टेक्निक होती है, मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 635 टेक्निक होती है कि 6 लोगों को बुलाइए, उन्हें एक एक कागज थमा दीजिए और उनसे कहिए कि 3 आइडिया लिखें 5 मिनट में। सो 6 लोग 3 आइडिया लिखेंगे 5 मिनट में, और उसके बाद जब उनके आइडियाज वो खत्म करें लिखना, सबसे एक अपने पर्चे ले लें और फिर पर्चों की अदला बदली कर दें। या अगर आप 6 ऐसे सर्कल में बैठे हुए हैं तो अपना पर्चा दूसरे आदमी को दे दें और दूसरे आदमी का पर्चा खुद रख लें। अब क्या होगा, आपके पास दूसरे का पर्चा आया, जब दूसरों की आइडिया पढ़ेंगे तो आपके मन में हमेशा ये विचार, अरे ये आइडिया तो मैं भी दे सकता था। फिर आप ये भी कहेंगे, अच्छा इस आइडिया को थोड़ा सुधारा जा सकता है, या आपके मन में कोई तीसरा बिल्कुल अलग ही आइडिया आ जाएगा। तो जब आप दूसरों के आइडिया पढ़ेंगे तो आपके मन में फिर कुछ आइडिया आएंगे, तो अगले 5 मिनटों में और 3 आइडिया लिखिए। ऐसा सभी लोग कर रहे हैं, 6 के 6 लोग बिल्कुल सेम फॉलो कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो क्या होगा, आधे घंटे में 108 आइडिया आपको मिलेंगे, 108। इस तरीके का हमने बहुत जगह प्रयोग किया है और बहुत अच्छे हमें इसके परिणाम मिले हैं, और हम अभी अभी मतलब पिछले एक महीने पहले ही ऑनलाइन में हमने एक कंपनी में इसी 635 का तकनीक का उपयोग किया और इतने अच्छे आइडियाज मिले कि एक हफ्ते में ही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और एक जो काम उनको लगकर उनकी मेरे ख्याल से उनकी बिक्री किसी एक वो रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट की बिक्री उसकी कम हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक हफ्ते में ही जब उन्होंने वो तरीके अपनाए तो एक हफ्ते में ही उनकी बिक्री बढ़ना शुरू हो गई। तो जो 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 आइडियाज होंगे आप इंप्लीमेंट कीजिए, हर आइडिया इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, तो उनको आप सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, हम देखेंगे उसके बारे में। फिर हर रूट कॉज के बारे में आइडियाज लिखे, रूट कॉज के बारे में आइडियाज लिखने के बाद हमने हर चीज को फिर ये खैर स्पेसिफिक आइडियाज हैं उस कंपनी के लिए तो मैं इसको बताऊंगा नहीं, लेकिन जब हमने आइडियाज इम्प्लीमेंट किए उसका एक प्लान बनाया कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद जब इम्प्रूव होगी प्रोसेस तो कंट्रोल किस तरह से हम उसको उसको उसी स्टेज पर रखें। इम्प्रूवमेंट तो हो गई, खुशी भी मना ली, पार्टी भी कर ली, लेकिन 6 महीने बाद हम इस बात पर दुखी नहीं हो कि वो पार्टी तो व्यर्थ की, बड़े खुश हो रहे थे 6 महीने पहले की इंप्रूवमेंट हो गई, अब तो वहीं पर हैं जहां पर पहले थे। तो कंट्रोल करें, कंट्रोल के लिए आपको कंट्रोल चार्ट्स, कंट्रोल प्लान्स, ट्रेनिंग और ऑडिट्स ये सब स्थापित करने पड़ेंगे। तो
किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे। दैट ये होता है कंट्रोल फेज। सो संक्षेप में अगर प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए तो 62% रिक्रूटमेंट पहले 60 दिनों से ज्यादा ले रही थी, अब प्रोजेक्ट करने के बाद सिर्फ 15% इंप्रूवमेंट 60 दिनों से ज्यादा ले रही हैं। और फिर सब खुश, सब ने तालियां बजाई और खुशी मनाई। और ये है एक्चुअली अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों ने इसमें सहभागिता की थी, तो सभी ने अपने अपने अपनी अपनी भाषा में यहाँ पे धन्यवाद लिखा है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर धन्यवाद लिखा गया है। और अलग अलग जो भी राष्ट्रीयता के लोग थे, नागरिकता और नेशनलिटीज के लोग थे, सब ने अपनी तरफ से। तो इसी तरह का एक और मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ। ये जरा मैं क्विकली बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, प्रोसेस भी पाई, ग्रीन बेल्ट लिखे, ब्लैक बेल्ट कौन है उसका नाम लिखा, मास्टर ब्लैक बेल्ट का नाम लिखा। किस तरह से हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया उसके बारे में लिखा कि हमने इतने सारे 3, 4, 5, 6, 7 प्रोजेक्ट्स सुझाए गए थे कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमें हम सब कुछ नहीं करना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो हमारे करोड़पति अरबपति साहब परेशान रहते थे, तो उन्होंने प्रायोरिटाइजेशन की। तो उन्होंने कहा पहले 3 जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कौन से हैं, तो उन्होंने चुना, इस यूनिट ने चुना ये 3 प्रोजेक्ट सबसे अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अगर हम ये लेते हैं तो वहाँ के जो सीनियर मैनेजमेंट ने कहा कि मेरे ख्याल से ये 3 प्रोजेक्ट हमें चुनने चाहिए। प्रोजेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, तो इन्होंने जिस क्राइटेरिया का उपयोग किया, पहले हमें क्राइटेरिया लिखते हैं कि हमें निर्णय लेने में हम किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे, कौन सी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो हमें थोड़ा पैसा अगर आ रहा है प्रोजेक्ट से तो वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पूल जो है उनका जो भी उससे रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंट है, रिवर्क, इन्वेस्टमेंट, डेटा अवेलेबिलिटी, ये उन्होंने क्राइटेरिया निर्धारित किए। उसको वेट किया, वेट असाइन किया, मतलब किसमें ज्यादा वजन है, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने देखा कि रेट ऑफ रिटर्न बहुत महत्वपूर्ण है, डेटा अवेलेबल है कि नहीं है वो भी महत्वपूर्ण। मतलब जब भी हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो हम ऐसे इस 3 चीजों का ध्यान में रख के करेंगे। फिर उन्होंने रिडक्शन इन सीटीआरबी ओवरऑलिंग टाइम के बारे में देखा कि रेट ऑफ रिटर्न इसको कितना मिलेगा, तो उन्होंने 1 to 10 के स्केल पर उसका निर्धारण किया और स्कोर इसको दिया 7, 9 इस तरह से। और फिर उनको उन्होंने वेट और स्कोर को मल्टीप्लाई किया वेटेड स्कोर लेने के लिए, और फिर कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा अंक मिले इस प्रोजेक्ट को, ये सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरे नंबर पे ये आता है और तीसरे नंबर पे ये आता है। तो ये दूसरे नंबर का प्रोजेक्ट जो आपको दिखाया जा रहा है। क्यों है प्रोजेक्ट की जरूरत, क्यों पड़ी, उसके बारे में लिखा गया है कि क्यों पड़ी जरूरत। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा क्योंकि हर चीज हम तो पढ़ने ही वाले हैं। फिर इसका प्रोजेक्ट चार्टर बनाया गया कि समस्या क्या है, गोल क्या होना चाहिए, उसके बाद किस जो हम जो इंपॉर्टेंट चीज, लक्ष्य हमारा क्या है, मेजर क्या है, ओवरऑलिंग टाइम हमारा वो लक्ष्य है उसको कम करना, डेट्स लिखे कि डिफाइन फेज हम इस दिन तक कंप्लीट कर लेंगे, मेजर फेज इस दिन तक कंप्लीट कर लेंगे। गैंट चार्ट बनाया गया कि डिफाइन कब से कब तक होगी, मेजर कब तक होगी। और फिर साइपॉक बनाया गया, सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर। तो कस्टमर हमारा है बोगी शॉप, आउटपुट है ओवरऑल सीटीआरबी, प्रोसेस बिल्कुल 5-6 स्टेप्स, कोई डिटेल में नहीं जाना अभी, बिल्कुल हाई लेवल प्रोसेस स्टेप्स, डिसमेंटलिंग, क्लीनिंग, ट्रैवर्सिंग, इंस्पेक्शन, असेंबलिंग, सिंपल।
इनपुट्स क्या हैं, सप्लाई, ये है सिस्टम मैप, ये पूरे बता रहा है आपको सिस्टम हमारा कैसा है। यहाँ समस्या की भी बात नहीं हो रही है, साइपॉक में हमें समस्या के बारे में बात नहीं कर रही। सो हमारा हमें करना क्या है, हमें ओवरऑलिंग टाइम रिड्यूस करना है। फिर हमने डेटा इकट्ठा किया अलग अलग जगहों से, उसके बाद हमने उस डेटा को हिस्टोग्राम बनाया। हिस्टोग्राम हम बनाना सीखेंगे, दूसरे दिन हम हिस्टोग्राम बनाना भी सीखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। एक मिनी टैप सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपको सभी को दे दिया गया है, तो सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करेंगे। और क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर का उपयोग बहुत आसान है, आपको बस बटन दबाना है, आपका हिस्टोग्राम उपस्थित, मतलब कहीं आपको हाथ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हर चीज हमने आप के लिए आसान कर दी है। तो हमने हिस्टोग्राम बनाई, फिर एक कॉज एंड इफेक्ट, ये भी आप ऑटोमेटेड है, आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपको कुछ हाथ से नहीं बनाना, लिस्ट रख दीजिए और एक क्लिक कीजिए, आपको रूट कॉज भी मिल जाएगा, आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मिल जाएगा बहुत आराम से। मतलब सब कुछ इतना आसान है कि कई बार प्रोजेक्ट करने के बाद लगता है कि हमने किया क्या, हम तो सोच रहे थे ये इतना कुछ सिक्स सिग्मा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा बड़ा नाम सुना था सिक्स सिग्मा का, अरे इतना आसान है। एक तो बात ये कि हम इसको आसान बना देते हैं, वैसे आसान नहीं है, आसान होता तो हर कंपनी कर लेती और हर कोई करवा लेता, तो थोड़ा सा हम अपने क्रेडिट अपने आप को भी देंगे कि हम जिस तरह से करवाते हैं, हमने उसको इतना आसान बना दिया है। और हमारा लक्ष्य भी है, जैसे हमारी कंपनी का लक्ष्य जो हम आपने शायद शुरू में देखा होगा, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल, मतलब हम व्यक्तियों को और ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्रूव करने का हमारा एक मिशन है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा बनाना, मतलब हम इनेबल करें उनको, सक्षम बनाएं कि वो अपनी प्रोसेसेस खुद इम्प्रूव करें कर सकें। तो इस मिशन के साथ जब हम काम कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहला तरीका ये ढूंढा है कि जो कठिन लोगों को लगता है उसको हम आसान करें, तो हमने वही किया है। सो ये है आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। फिर कुछ और हम देखेंगे, कुछ और एडवांस टूल्स भी देखें, जैसे ये इन्होंने स्कैटर प्लॉट बनाया। स्कैटर प्लॉट मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज बढ़ती है क्या या घटती है क्या, कुछ रिलेशनशिप है क्या। सो इन्होंने स्कैटर प्लॉट बना के दिखाया, ऐसे कई चीजों का उन्होंने स्कैटर प्लॉट बनाया है, और कहीं 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 पर आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी, कहीं पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी लग रही है कि कुछ रिलेशनशिप है। तो जहां जहां आपको रिलेशनशिप मिली, मतलब वहां पे आपको रूट कॉज मिल रहा है, तो इस तरह से उन्होंने एनालाइज किया। सो एनालिसिस में आप ये सब टूल्स सीखेंगे, फिर आपको रूट कॉजेस मिले, इतनी एनालिसिस करने के बाद आपको रूट कॉजेस मिले, फिर क्या क्या आइडियाज आए, तो आपने उनको लिस्ट डाउन किया, तो इन्होंने आइडियाज दिए, और फिर इतने सारे तो हम आइडियाज, फिर वही आप उनकी बात याद रखें, हर चीज नहीं करनी। अधिकतर समस्या ये होती है कि हम हर चीज करना चाहते हैं फिर कुछ भी नहीं करते, तो उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। और उन्होंने चार सॉल्यूशंस प्रायोरिटाइज किए और फिर उन्होंने उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। तो ये हुआ आपका संक्षेप में मतलब बीमैक। और जब इम्प्रूव हो गया तो उन्होंने कंट्रोल चार्ट पे दिखाया कि सच में इम्प्रूव हुआ, पहले ये स्थिति थी बाद में ये स्थिति हुई, और चूंकि स्थिति बदली है इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट हुआ है, और फिर उस वजह से 2 करोड़ की बचत हुई, सालाना 2 करोड़ की बचत हुई, जो कि सबसे खुशी की बात है।
क्योंकि ये सरकारी उपक्रम है तो सीधे देश को लाभ है, किसी उद्योगपति को इसका लाभ नहीं जा रहा है, आप सीधे देश को लाभ हो रहा है। और फिर उस वजह से हम जन जन तक ये सेवाएं पहुंचा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो आप एक तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। तो 2 करोड़ आपने बचाए और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स आपने किए। एज ए ग्रीन बेल्ट आप कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ना सिर्फ अपनी कंपनी के लिए बट लेकिन समाज के लिए भी और देश के लिए भी और विश्व के लिए भी, क्योंकि आप अगर देश की सेवा कर रहे हैं तो विश्व की भी सेवा कर रहे हैं। सो इस दृष्टि से थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव रख के यदि हम आप ये सब टूल्स सीखेंगे तो लंच के बाद हम इसी व्यापक दृष्टिकोण को रखते हुए ये टूल सीखें और हर चीज आसान लगेगी। मतलब वैसे भी मैंने कहा कि कठिन चीज को आसान बनाना हमारा काम है, तो हम साथ में आपके चलेंगे, हम उदाहरण लेंगे, जैसे ही टूल आपको सिखाएंगे साथ में फिर उसका उपयोग करना भी सिखाएंगे। सो जैसे हमने साइपॉक सिखाया तो साइपॉक कैसे बनाते हैं साथ में हम मिलकर बनाएंगे, उस समय आपका पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरत होगी, आप बोल भी सकते हैं जब, क्योंकि हमें आपके बारे में, आपकी प्रोसेस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है तो आप बताएंगे, तो प्रोजेक्ट चार्टर लिखेंगे तो साथ में लिखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो साथ में बनाएंगे, पेरेटो बनाएंगे तो साथ में कैसे, तो सभी चीजें साथ में होंगी और निष्कर्ष बिल्कुल और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ये हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, मतलब हम जानते हैं, आराम से हम एक तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट की सक्सेस। मतलब हम तो यही कहेंगे कि सक्सेस हो चुकी है, बस हमें एक प्रक्रिया से गुजरना है। सो उस प्रक्रिया के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं ब्रेक के बाद, 1 घंटे के बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अच्छे से दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट के नॉट डिफाइंड फेज के बारे में हम बात कर रहे थे। डिफाइंड फेज के बारे में हमने जब बात की थी तो आपको याद होगा हमने कहा था प्रोजेक्ट चार्टर ये पहला टूल है। तो आइए जानते हैं प्रोजेक्ट चार्टर में होता क्या है। प्रोजेक्ट चार्टर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो ग्रीन बेल्ट है वो एक तरह से कमिटमेंट दे रहा है, अपने आप को कमिट कर रहा है प्रोजेक्ट के प्रति, और ये कह लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है मैनेजमेंट और ग्रीन बेल्ट के बीच में। ग्रीन बेल्ट कह रहा है कि मैं अगले 3-4 महीनों तक अपनी पूरा प्रयास करूंगा इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और सीनियर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का कहना है कि हम आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। सो ये प्रोजेक्ट चार्टर, किसी भी प्रोजेक्ट के पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाया जाता है। सो इसमें हम लिखते हैं कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तौर पर लिखते हैं कि समस्या क्या है, कहां पर समस्या आ रही है। और जब हम समस्या लिखते हैं तो हम ये नहीं लिखते कि क्यों आ रही है, हम ये नहीं लिखते कि किसके कारण आ रही है, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते कि इस डिपार्टमेंट की वजह से ये समस्या है और या इस व्यक्ति की वजह से ये समस्या है, हम सिर्फ ये लिखते हैं कि समस्या क्या है, बिना कोई कारण बताए हम सिर्फ लिखते हैं कि ये समस्या क्या है और कितनी बड़ी है और किस तरह से हमें प्रभावित कर रही है। तो अगर जैसे पिछले हमने उदाहरण में देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट टाइम में समस्या आ रही थी, तो उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि हमको हमारा रिक्रूटमेंट टाइम है वो 60 दिन के ऊपर है। अब क्यों है उन्होंने नहीं लिखा, किस वजह से है उन्होंने नहीं लिखा, ना किसी पे इल्जाम लगाया, ना किसी डिपार्टमेंट को दोष दिया, सिर्फ कहा कि हमारी रिक्रूटमेंट में 60 दिनों से ज्यादा समय लग रहा है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लिखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखते समय ये कहा जाता है कि आपको 2 प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो 2 प्रमुख बातें ये हैं। आपको लिखना चाहिए व्हाट, वेयर, सिंस व्हेन, हाउ बिग, हाउ इट इंपैक्ट्स। सो सबसे पहले लिखा आपने कि समस्या क्या है,
जैसे कि हम लिख सकते हैं कि मेंटेनेंस, किसी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, कितना वो भी लिखना होता है, कहां पर किस डिपार्टमेंट में वो भी लिखना होता है, कब से हो रहा है ये क्या समस्या, पिछले 6 महीने से है, 1 साल से है, 2 साल से है, मतलब जितना संभव हो सके उतना प्रिसाइज रहें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल 1 साल है तो 1 ही साल लिखना है, तकरीबन। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट एक समय दे सकते हैं कि ये समस्या कब से है, इससे पता लगेगा, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन भी है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये समस्या काफी दिनों से है। और लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट उसी समस्या के लिए होता है जो काफी दिनों से होती है, जो क्रॉनिक है, जो बीमारी क्रॉनिक होती है, जो क्रॉनिक बीमारी मतलब काफी दिनों से, काफी सालों से किसी को होती है, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इसी तरह से जो समस्याएं क्रॉनिक होती हैं, जो काफी दिनों से हैं हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी कंपनी में, उसमें लीन सिक्स सिग्मा का प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे सही उपयोग, क्योंकि ये टूल्स एंड टेक्निक्स थोड़ी एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, तो इनका उपयोग, जैसे हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग हर जगह नहीं करते, उनका बिल्कुल समय आता है तभी उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है, तो उसी तरह लीन सिक्स सिग्मा अप्रोच एक ब्रह्मास्त्र की तरह है कि जब बहुत समस्या बिल्कुल क्रॉनिक होती है, काफी लंबे समय से है, उसके कारणों का हमें ज्ञान नहीं है, कुछ अज्ञात कारणों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है काफी दिनों से, किस कारण नहीं जानते, हम सोच रहे थे कि हम जानते हैं इन कारणों को, फिर भी हमारी जो सोच थी, हमारे जो विचार थे शायद ठीक नहीं निकले, हमारा जो अनुमान था वो शायद गलत निकला, हम शायद किसी और कारणों को हमने असाइन करके उन कारणों पर हम उन के ऊपर हम काम कर रहे थे, और लेकिन वो हम उसमें सफल नहीं हुए, तो इस वजह से हम इस प्रॉब्लम को अब एक्नॉलेज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और इसमें हम ये नहीं लिख रहे हैं डू नॉट राइट व्हाई एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉब्लम, लाइक हम ये नहीं लिख रहे हैं कि क्यों है, और हम ये भी नहीं लिख रहे हैं कि किस व्यक्ति और या डिपार्टमेंट की वजह से। ये बहुत दो मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी होंगी जब भी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के बाद बारी आती है गोल स्टेटमेंट की। गोल स्टेटमेंट में खैर काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो है, यदि आप इस चीज का ही ध्यान रखें तो बहुत मतलब सारी बातें का ध्यान अपने आप रख लेंगे। अगर आपका गोल स्टेटमेंट स्मार्ट है, SMART, यदि अंग्रेजी में कहें से, तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। सो आपका गोल स्टेटमेंट स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जो समस्या है उससे रिलेटेड होना चाहिए, जो कम शब्दों में होना चाहिए, जहां पर समस्या, जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं उसी उसे से संबंधित आपका गोल होना चाहिए। तो ये नहीं कि समस्या है कि हमारे मेंटेनेंस टाइम बहुत ज्यादा है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और हमारा गोल स्टेटमेंट है हमको एक नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है। गोल स्टेटमेंट हमेशा समस्या से जुड़ा हुआ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, उसमें अधिकतर उसमें एक मेजरेबल मतलब उसको मापा जा सके, ऐसा होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए जिसको हम मापा जा सके, जिसको मापा जा सके। तो मेजरेबल होना चाहिए कि 60 आज 60 घंटे लग रहे हैं किसी काम को करने के लिए, 60 घंटों से मैं 30 घंटे इसको कम करना चाहता हूं, तो ये है मेजरेबल। सो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अचीवेबल मतलब लक्ष्य ऐसा हो जिसे आप पा सकें, ये नहीं कि मैंने 3 महीने में मैं 60 दिनों से एकदम से 10 दिन कर सकूंगा, हो सकता है 10 दिन हो जाएं, लेकिन उसको हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 3 महीनों में
आप कितना कर सकते हैं, तो आपको इस बारे में आपको बहुत क्लियरली मेजरेबल टर्म्स में लिखना है. सो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, जो आप पा सकें, और रेलेवेंट, रेलेवेंट टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. सो आपके अभी कंपनी का एक विजन है, एक मिशन भी है. जो भी आप कर रहे हैं वो मुख्य जो विजन है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, आपकी कंपनी अचीव करना चाहती है, इस प्रोजेक्ट के जरिए उस विजन को मदद मिले. जो भी आपका लक्ष्य, कंपनी का लक्ष्य है और आपके प्रोजेक्ट का लक्ष्य एक तरह से एक ही दिशा में अग्रसर होने चाहिए. यह नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं और लक्ष्य कंपनी का से उससे कोई नाता ही नहीं है. आप जो जो चीज करना चाह रहे हैं उससे किसी भी तरह से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा. तो ऐसा प्रोजेक्ट यदि करेंगे तो ना तो कंपनी इंटरेस्टेड रहेगी, ना तो मैनेजमेंट इंटरेस्टेड रहेगा. सो इसमें बहुत जरूरी है कि इट शुड बी रिलेवेंट टू द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये होना चाहिए टाइम बाउंड. टाइम बाउंड का मतलब है कि एक समय निर्धारित करें कि ये प्रोजेक्ट मुझे इस समय के अंदर अंदर खत्म करना है. मतलब ये प्रोजेक्ट जैसे अगर आज शुरुआत करते हैं तो 3 महीने के बाद, और वो डेट भी निर्धारित कर दें कि 3 महीने मतलब कब, 31 जुलाई, 31 अगस्त, जो भी है उस डेट का निर्धारण करना जरूरी है. और गोल स्टेटमेंट में वो डेट लिखनी चाहिए कि 31 जुलाई तक, 31 अगस्त तक मैं इस ये काम जो जिसमें 60 घंटे लग रहे हैं इसको मैं 30 घंटे तक कर दूंगा. तो इस तरह से मतलब ये अच्छा गोल स्टेटमेंट लिखा जाता है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और गोल स्टेटमेंट, ये दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंश हैं प्रोजेक्ट चार्टर के. और जब आपको आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट और गोल स्टेटमेंट हो जाता है तो बाकी सब चीजें आसानी से आप लिख सकते हैं. जैसे कि आते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, इसमें आप रिसोर्स प्लान, हाँ, तो आप प्रोजेक्ट नेम भी, नाम भी लिखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम क्या है. सो एक संक्षेप में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दें कि रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, जो भी होगा बिल्कुल संक्षेप में लिख दें. चैंपियन और स्पॉन्सर, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट है आपके साइट के, तो उनका नाम, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उनका नाम होगा. ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट आप अपना नाम डाल सकते हैं. प्रोसेस ओनर, जो मैनेजर है उस प्रोसेस के जहाँ पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो डालेंगे. कोच और मास्टर ब्लैक बेल्ट में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, तो आप मेरा नाम डालेंगे मास्टर ब्लैक बेल्ट के तौर पर. प्रॉब्लम स्टेटमेंट और गोल स्टेटमेंट, एस्टिमेट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इंटेंजिबल बेनिफिट्स. एस्टिमेट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि अगर मैंने 60 घंटे से 30 घंटे किसी काम करने के ड्यूरेशन को कम कर दिया है तो उससे कितना समय बचेगा या कितनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट होगी और कितनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, अगर मैं उसका अनुमान लगा सकता हूं कि इससे कितनी बचत होगी पैसों की, तो आप वो पैसे भी लिख सकते हैं, कितनी कितनी बचत होगी वो भी आप यहां पर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज में लिख सकते हैं. अगर आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, अगर आप समझते हैं कि आपको इस समय इतनी जानकारी नहीं है या इतने आंकड़े आपके पास है नहीं कि आप बता सकें कि इस प्रोजेक्ट से 5 लाख बचेंगे, 10 लाख बचेंगे, तो अनुमान के तौर पर लगा सकते हैं. और अगर आपको बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या इससे कंपनी को क्या फायदा होगा. जो फायदे जो पैसों के रूप में भले ही ना लिखे गए हों, लेकिन हो सकता है कि कस्टमर्स खुश हों, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयज भी खुश होते हैं, कभी कभी मैनेजमेंट खुश होती है, कभी कभी
कुछ सेफ्टी रिलेटेड कंप्लायंस में इजाफा होता है, कभी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो आपके वातावरण से संबंधित जो आपके एक्रेडिटेशन हैं, हो सकता है उसमें आपको मदद मिले, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही आपके प्रोजेक्ट से। तो जो भी फायदा होता दिखता है या हो सकता है, भले ही आर्थिक तौर पर अगर आप उसको प्रेजेंट कर सकें तो भी ठीक है, और अगर वैसे अलग इंटेंजिबल बेनिफिट, तो टेंजिबल मतलब पैसों के रूप में, रुपयों के रूप में अगर आप लिख सकें तो वो भी ठीक है, और इंटेंजिबल मतलब सॉफ्ट बेनिफिट्स जिसे हम कहते हैं कि अगर हम कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन की में इजाफा होगा, या हमारी सेफ्टी कंप्लायंस बढ़ेगी, या ऑडिट कंप्लायंस बढ़ेगी, कोई भी जो फायदा हो रहा हो वो यहाँ पर हमें लिखना है, बेनिफिट्स बेनिफिट्स लिखना है। फिर यहाँ पर फिर इसके बाद आता है अन्य टीम मेंबर्स का नाम, जो अन्य टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि कई और टीम मेंबर्स होंगे जो हमारी मदद कर रहे होंगे, वो हो सकता है ग्रीन बेल्ट ना हो लेकिन वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं, और उनका सहयोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं, वो लोग उनका सहयोग बहुत जरूरी है इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए, और ये लोग कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में शामिल हो सकते हैं, कभी कभी सजेशंस दे सकते हैं, नए तरीके सुझा सकते हैं कि किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सके अपने प्रोसेस का। तो ये सब इन सब टीम मेंबर्स का भी आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। स्कोप, स्कोप में आप लिखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं इसकी लिमिट्स क्या है, मतलब जैसे आपके तीन से साइट्स हैं, साइट ए, साइट बी, साइट सी, आप ये लिखेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ साइट ए के लिए है, ये साइट ए बी सी के लिए नहीं है, या ये प्रोजेक्ट सिर्फ डिपार्टमेंट के उन कर्मचारियों के लिए है जो इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कंपनी को कि हालांकि आपके इरादे मजबूत हैं और आप बिल्कुल चाहते हैं कि हर चीज इंप्रूव हो, लेकिन जहां तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, आप अपना ध्यान सिर्फ इसी दायरे तक सीमित रखेंगे। तो एक तरह से आप एक अपना दायरा निर्धारित कर रहे हैं कि मैं जब 3 महीने इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करूंगा तो सिर्फ इसी दायरे में रहकर करूंगा। इसमें कभी कभी आप ये भी ले सकते हैं कि मैं इंप्रूवमेंट सिर्फ इस एरिया में करूंगा, उस एरिया के बारे में मैं नहीं इस समय ध्यान दूंगा। तो आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने कहा कि ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये हमेशा के लिए तो चलेगा नहीं। अगर आप अगर समुद्र में को उबालना चाहते हैं, अगर आप समुद्र को उबालना चाहते हैं तो बहुत एक तरह से असंभव है। This conference will now be recorded. तो स्कोप में हम लिखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का दायरा क्या है। CTQs मतलब जो मेजर जो कस्टमर चाहता है उसको, अगर हम मेट्रिक के तौर पर उसको KPI भी कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो आपके मेजर्स हैं, मेट्रिक्स हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फाइनली आप यहाँ पर लिखेंगे कि डिफाइन फेज आप किस तारीख तक उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो जाएगा, मेजर फेज किस तारीख तक आप उम्मीद करते हैं कि आप खत्म कर लेंगे। तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूवमेंट, कंट्रोल, डीमैक के सारे डेट्स जो है, माइलस्टोन डेट्स, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए हम ऐसा करते हैं कि एक डीमैक प्रोजेक्ट चार्ट बनाते हैं। तो मैं एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट तो आपको दिखाया था, तो उसी तर्ज पर हम एक
डिफाइन फेज में हमें तीन टूल्स प्रयोग करने होते हैं, चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर, साइपॉक और सीटीक्यू। सो हमने अभी प्रोजेक्ट चार्टर देखा, अब इसके बाद देखते हैं साइपॉक। साइपॉक का फुल फॉर्म है सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर। तो हर प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होती है, उसके कोई ना कोई उसका कस्टमर होगा, उसका एक आउटपुट होगा, उसमें कुछ स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है। तो वो इनपुट्स सप्लायर्स की तरफ से आते हैं। तो सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर ही साइपॉक है। यदि हम देखें साइपॉक एक तरह से हमें प्रोसेस अप्रोच की तरह करक की तरफ ले जाता है, जो कि एडवर्ड डेमिंग ने कहा था कि 85% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू द प्रोसेस नॉट द पीपल। सो ये एक तरह से प्रेरित करता है हमें सबसे पहले प्रोसेस देखने के लिए। सो प्रोसेस जैसा कि मैंने पहले बताया था, साइपॉक डिटेल्ड प्रोसेस मैप नहीं है, ये है एक 50,000 फीट व्यू ऑफ द प्रोसेस। इसमें हमें आपको सारे स्टेप्स डिटेल में नहीं लिखने हैं। आइए जानते हैं सप्लायर का मतलब क्या है, इनपुट्स प्रोसेस आउटपुट और कस्टमर्स का क्या आशय है। सो जब भी हम साइपॉक लिखते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत कस्टमर से करते हैं। कस्टमर मतलब वो व्यक्ति या संस्था या डिपार्टमेंट जिसको हमारा आउटपुट जा रहा है। सो कस्टमर बाहरी भी हो सकता है, कस्टमर अंदरूनी भी हो सकता है। तो आपके कस्टमर कभी कभी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कभी कभी कस्टमर एक व्यक्ति भी हो सकता है, किसी आप ही कंपनी का कोई व्यक्ति, कोई सीनियर मैनेजमेंट हो सकता है, सीईओ आपका कस्टमर हो सकता है। एक जैसे अगर आप कहें कि एक क्वालिटी डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का कस्टमर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है। तो सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर में आपको सारे सप्लायर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जो इनपुट्स प्रदान कर रहे हैं। सप्लायर्स होते हैं, कभी कभी संस्थाएं होती हैं, वेंडर्स होते हैं, या कभी कभी व्यक्ति भी होते हैं, कभी कभी तो कस्टमर भी आपका सप्लायर हो सकता है। इनपुट वो सभी मटेरियल रिसोर्सेज या डेटा जिसकी जरूरत होती है आपको प्रोसेस स्टेप पूरी करने के लिए। और प्रोसेस है सेट ऑफ एक्टिविटीज जो इनपुट्स को परिवर्तित करती है आउटपुट के तौर पर। जब हम साइपॉक बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कस्टमर कौन है। तो जब साइपॉक बनाया जाता है तो साइपॉक हमेशा हम बनाते हैं राइट टू लेफ्ट, पढ़ते जरूर हैं साइपॉक SIPOC लेफ्ट से राइट, क्योंकि जब भी कोई चीज आती है तो सप्लायर से ही आती है, इनपुट्स हमारे पास आते हैं और इनपुट्स को हम प्रोसेस में यूज करके एक आउटपुट देते हैं जो कस्टमर को जाता है। तो समय के हिसाब से देखें कि सबसे पहले सप्लायर इनपुट देता है, इनपुट को हम प्रोसेस स्टेप के माध्यम से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस कस्टमर को जाता है। लेकिन जब हम साइपॉक बनाते हैं, जब हम जानते हैं हमें अपना साइपॉक अपनी प्रोसेस का बनाना है, तो हम कस्टमर्स से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, कस्टमर तो आपको एकदम समझ में आ जाता है कि कस्टमर कौन है। तो समझ लें कि एक दिन प्रतिदिन की कोई एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर मुझे जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है, अगर मैं मतलब उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट तो नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे मैं मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो मैं उसे चाय पिलाता हूँ,
तो अगर मुझे प्रोजेक्ट करना है या फिर मेरे या मेहमानों से मैंने पूछा कि भाई आपको मेरी चाय कैसी लगती है, तो मेहमानों ने कहा कि खैर थोड़ी सी टेस्ट में थोड़ा इशू है, बाकी तो खैर आप तो अच्छे हैं ही, लेकिन अगर चाय भी अच्छी हो तो क्या बात है। तो ये हुए कस्टमर, हमारे गेस्ट तो हमारे कस्टमर हुए। तो मैं अब इनकी वॉइस ऑफ कस्टमर हमने कलेक्ट की और अब मैंने एक प्रोजेक्ट लिया कि मैं अपनी चाय का स्वाद बढ़ाऊंगा। मतलब चाय जब लोग मेरी चाय पिए तो मतलब वाह वाह करें, और मेरे अगर मित्र मित्रों को मेरी चाय पसंद आएगी तो जरूर हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे, और खुशी तो सभी को होती है अगर आपके मित्रों को आपकी आपकी बातों के साथ साथ चाय भी पसंद आए। तो मैं इसका अगर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लूं तो मैं तो पहले प्रोजेक्ट चार्टर लिख लूंगा कि मेरी चाय मेरे मित्रों को आजकल थोड़ी जायका लगता है, और एक तरह से मैं एक सर्वे भी कर सकता हूँ, सबसे कहूँ कि 1 to 5 रेटिंग पर मेरी एक चाय को आप रेटिंग दीजिए। और मैंने अपने 10 मित्रों से कहा अपनी रेटिंग देने के लिए, और औसतन मुझे रेटिंग मिली, जैसे मतलब हम फर्स्ट करते हैं कि हमारे कस्टमर्स ने बिल्कुल बिना बिना किसी तकल्लुफ के और बिना बिल्कुल फ्रैंकली मुझे रेटिंग दी, क्योंकि मैं चाहता था कि आप फ्रैंकली बताइए। तो उन्होंने मुझे 2 की रेटिंग दी, 1 से 5 के, 5 मतलब सबसे अच्छी चाय, बहुत जायकेदार चाय, और 1 मतलब बिल्कुल बहुत ही खराब। तो 2 की रेटिंग मुझे मिली। अब 2 की रेटिंग मुझे मिली है तो मैंने एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाया कि आज मेरी रेटिंग 2 है और मैं इसे कम से कम 4 तक पहुंचाना चाहता हूँ 3 महीनों के अंदर। मतलब अगर प्रोजेक्ट चार्टर है तो 3 महीने तो लगेंगे ही, खैर ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट है आखिर। अब इसके बाद मैंने चार्टर बनाने के बाद लिखा साइपॉक। अब मैं साइपॉक करना चाहता हूँ तो मेरी प्रोसेस का नाम क्या हुआ? प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं? टी मेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने चाय के जायके को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, सबसे पहले मैंने ये जाना कि प्रोसेस कौन सी, किस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सो ये टी मेकिंग प्रोसेस है। टी मेकिंग प्रोसेस हमारी प्रोसेस होगी, भले ही प्रोजेक्ट जायका बढ़ाना है, इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द टी इज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भले ही आप देखें तो प्रोजेक्ट है इम्प्रूव टेस्ट ऑफ द टी, लेकिन सबसे पहले मैंने प्रोसेस की तरफ देखा। और आइए प्रोसेस में बनाते हैं, साइपॉक बनाते हैं। सबसे पहले मैं जानूंगा कस्टमर कौन है मेरे। कस्टमर यहाँ पे मेरे मित्र, तो अपने मित्र मैंने मैं अपने मित्रों मेरे मित्र हैं मेरे मेरे कस्टमर्स फ्रेंड्स। आउटपुट, आउटपुट क्या है? हमें यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना है कि आउटपुट हमें मेरे प्रोजेक्ट का आउटपुट नहीं लिख रहा हूं, मैं प्रोसेस का आउटपुट लिख रहा हूं कि अभी मैं प्रोसेस बनाऊंगा, प्रोसेस लिखूंगा, चाय बनाने की प्रोसेस लिखूंगा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिर और क्या करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, वो स्टेप लिख के आखिरकार बनता क्या है? आखिरकार बनती है चाय। तो इसीलिए चाय आउटपुट हो जाएगी, चाय हो गई मेरी आउटपुट। सो टी इज द आउटपुट, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा कि पहली स्टेप क्या है प्रोसेस की, सबसे पहली स्टेप क्या है और सबसे आखिरी स्टेप क्या है। और जब हम पहली और आखिरी स्टेप लिखते हैं, एक तरह से स्कोप भी क्लियर हो जाता है कि कहां से हमारी शुरुआत हो रही, कहां पर हमारे प्रोसेस का अंत हो रहा है, और अंत में हमें ऑफ कोर्स आउटपुट मिल रहा है, हमारी चाय तैयार हो रही है। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहली स्टेप तो शायद मैं कहूंगा कि हम
पानी को उबालना पड़ता है, तो बॉइल वाटर लिख सकता हूं मैं यहाँ कि पानी उबालें। और सबसे आखिरी स्टेप क्या है, मेरे ख्याल से सर्व टी, सर्व टी इज द आखिरी स्टेप। इसके बाद तीन चार जो बीच वाली स्टेप्स हैं हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि चाय पानी उबालें, उसके बाद ऐड शुगर, ऐड मिल्क, या जो भी है, मतलब ऐड मिल्क, ऐड टी, ऐड टी पाउडर, और उसके बाद उसके बाद आई थिंक फिल्टर करें, और उसके बाद सर्व टी। तो आपको कप में उड़े लें वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन जो मुख्य स्टेप्स हैं वही लिखना है। तो मतलब कप में उड़ेल कर और डालकर उसको सर्व करें। ये हमारा हो गया प्रोसेस में, छोटा सा प्रोसेस में। बाद में जब एनालाइज फेज में मैं जाऊंगा तब मैं बिल्कुल डिटेल में बनाऊंगा प्रोसेस में। वहां लिखूंगा कि सबसे पहले तो उठें, फिर किचन तक जाएं, फिर भगवान को गैस के ऊपर रखें, उसके बाद पानी उसमें डालें, फिर गैस शुरू करें, गैस स्टार्ट करें, और उसके बाद गैस जलाएं मतलब, और उसके बाद थोड़ा इंतजार करें, और फिर शक्कर डालें, और कितनी शक्कर डालें, कितने लोग हैं, वो सब मैं डिटेल्स तो बाद में लिखूंगा। लेकिन ये साइपॉक है, इसमें हमें डिटेल्स नहीं लिखने हैं। और उसके बाद हमें देखना है इनपुट्स क्या हैं, क्या क्या इनपुट्स हैं हमारे, किन किन पदार्थों की जरूरत होती है चाय बनाने के लिए। तो सभी को मालूम है कि चाय की पत्ती तो चाहिए ही, चाय पत्ती चाहिए, टी पाउडर, उसके बाद दूध चाहिए, फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको मेरे ख्याल से शक्कर, शक्कर भी चाहिए, और पानी, पानी बिल्कुल पानी आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो वाटर, सो टी, मिल्क, शुगर, वाटर, और प्रोसेस में बॉइल वाटर, ऐड शुगर, ऐड मिल्क, ऐड टी पाउडर, फिल्टर एंड सर्व टी। और कप की भी जरूरत पड़ेगी, कप और स्टोव की, गैस स्टोव की जरूरत है, सारे जो जो भी चीजें हैं, मतलब गैस की जरूरत है, सिलेंडर की जरूरत है, वो सारी चीजें हमें लिखनी होंगी। मैं बस कुछ ही लिख रहा हूँ, और हाँ बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं लिखनी जैसे कि मैंने कहा। और फिर चाय की पत्ती कहाँ से मिल रही है, तो समझ लें हम टाटा टी ला रहे हैं, तो टाटा या रिटेल, नए रिटेल स्टोर से सप्लाई कर रहे हैं, जो भी है। दूध कहाँ से आ रहा है, तो डेयरी से आ रहा है, तो डेयरी लिख दें, किस डेयरी से आ रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। शक्कर कहाँ से ला रहे हैं आप, ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो ऑनलाइन लिखें, जो भी है, तो ये सब चीजें आप लिख देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, तो हम ग्रीन बेल्ट बनने की शुरुआत कर चुके हैं, उसके रास्ते पर चल चुके हैं, तो हमने तो जान लिया है शुरुआत में ही, तो देख लिया था कि हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। अब एक चीज और जानिए कि अधिकतर जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं आउटपुट के बारे में। तो हमारे मित्रगण हैं, जब मैं इनसे पूछूंगा कि हमारी चाय के बारे में आपकी क्या राय है, तो मित्रगण कह रहे हैं, और वॉइस ऑफ कस्टमर, मैं कस्टमर की वॉइस कलेक्ट करना, वॉइस ऑफ कस्टमर, मैं VOC वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट कर रहा हूँ कि प्रिय मित्र जरा बताइए कि हमारी चाय कैसी है। और प्रिय मित्र ने कहा कि भाई चाय इतनी अच्छी तो नहीं है।
मजा नहीं आता है, तो वो ये कहेंगे कि मजा नहीं आया। वो बात नहीं है। तो मैं अपना CTQ लिखूंगा। CTQ है जो भी मित्र ने कहा उसे मैं नापूंगा कैसे, उसका एक मापदंड मुझे बनाना है। और यहां पे मैंने लिख दिया कि रेटिंग जो है टेस्ट रेटिंग, स्वाद की एक रेटिंग, 1 to 10 स्केल या 1 to 5 स्केल पे आपने मांगी, इस तरह से मैं उसको मापूंगा। सो CTQ है माप। आप कैसे मापेंगे, कस्टमर जो कह रहा है उसको आप कैसे मापेंगे, ये होता है आपका CTQ। सो कस्टमर तो ये कहेगा, कस्टमर ये कभी नहीं कहेगा कि आपकी चाय मुझे 1 से 10 के स्केल में मुझे 4 लगी, 2 लगी, या 1 से 5 के स्केल पे। मैं कभी कस्टमर ये कुछ नहीं कहेगा। कस्टमर ये भी कह सकता है कि भाई बड़ी देर लगा देते हो यार तुम, चाय कहते तो हो कि मैं चाय पिला रहा हूँ, चाय पियेंगे क्या, मैं बड़ी उम्मीद लगाए बैठा रहता हूँ कि अब चाय आएगी, अब चाय आएगी, लेकिन फिर बहुत कई समय के बाद आपकी चाय आती है तो बहुत समय लेते हो। सो बहुत समय लगाते हो, ये कस्टमर कह रहा है। इसको मैं मेजर कैसे करूंगा, कहते हैं कि चाय सर्व करने का जो समय, सर्विंग टाइम, सर्विंग टाइम, मैंने कितना समय लगाया, जब से जब मैंने कहा कि चाय लेंगे क्या, मित्र ने कहा जरूर, और फिर मैंने शायद 30-35 मिनट लगा दिए, तो उस समय को नापना, उसका क्या नाप होगा, क्या माप होगा, वो भी मुझे यहाँ पर लिखना। CTQ का मतलब है जो कस्टमर कह रहा है उसे एक मान से एक मापदंड देना, या उसको उसे मापना। मापदंड तो हम बाद में भी बनाएंगे, लेकिन पहले मापें उसको। सो फ्रेंड्स इज द कस्टमर, आउटपुट इज द टी, प्रोसेस इज बॉइल वाटर, एड शुगर, एड मिल्क। सो इसी तरह से हमें एक साइपॉक बनाना होता है। तो आइए हम अपना साइपॉक बनाते हैं, अपनी प्रोसेस का, जो हमने प्रोसेस ली है, आइए हम उसका मिलकर साइपॉक बनाते हैं। और यदि कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। This conference will now be recorded. तो हमने देखा कि साइपॉक ने एक हमें विस्तृत एक तरह से एक दृश्य दिया है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि हम किस तरह से जॉब्स एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे जो प्रोसेस स्टेप्स हैं हम क्या फॉलो करते हैं, और किस तरह से आउटपुट आउटपुट आता है किसी प्रोसेस स्टेप से जो जाता है कस्टमर को। इसके बाद हम कस्टमर से पूछते हैं कि कस्टमर साहब बताइए हमारे आउटपुट के बारे में आपका क्या ख्याल है, और कस्टमर अपनी बातें बताते हैं शब्दों में, वाक्यों में, कभी कभी तो चेहरों के माध्यम से भी, अपने एक्सप्रेशंस देके, कभी फीलिंग्स से, गुस्से से, कभी खुश होकर। तो ये होता है वॉइस ऑफ कस्टमर, जिससे हम अगर कन्वर्ट करते हैं मेजर में, हम उसे कहेंगे CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी। तो आइए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कस्टमर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, दोनों को ही समान रूप से आपको देखना है, समकक्ष समदृष्टि से देखना है दोनों को। ऐसा नहीं है कि बाहरी कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या वही कस्टमर होता है। कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है कि कस्टमर मतलब जो ही वो वही जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ये बहुत गलत मान्यता है। हमें अपने इंटरनल कस्टमर्स का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना हम एक्सटर्नल कस्टमर्स का रखते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इनकी आवाज को हम कैसे सुने, तो कई तरीके होते हैं, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, एक्सटर्नल सर्वे, इंटरनल सर्वे, कस्टमर कंप्लेन डेटा, ये सब आमतौर पर ब्लैक बेल्ट्स या मास्टर ब्लैक बेल्ट्स करते हैं, ये आंकड़े इकट्ठा करते हैं कस्टमर से, या कस्टमर्स कंप्लेंट आप देखते हैं उसको एक आप एनालाइज कर सकते हैं। सो ये तरीके कभी कभी इंटरव्यू ले लें, मतलब जाके आप कस्टमर से खुद बातचीत करें कि हम जानना चाहते हैं आपका, आपके
आपको क्या नजरिया है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोडक्ट ही हो, सर्विस भी हो सकती है। तो अगर आपकी सर्विस के बारे में कस्टमर से आप पता करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तरों को आप इकट्ठा करके उसको उससे एक मेजर बनाते हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। कभी कभी फोकस ग्रुप मतलब आप अपने कस्टमर्स को बुलाएं एक जगह पर और उनसे कहें कि आप मेरी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में आपस में बातचीत करें, और ये जो जब वो बातचीत करें तो उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लें, उसे नोट्स बनाएं, तो आपको पता चलेगा कि लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह से हम वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट कर सकते हैं। या एक्सटर्नल सर्वे किसी थर्ड पार्टी को कह दें कि कृपया करके हमारे कस्टमर्स के पास जाइए और पूछिए कि हमारी सेवाओं के बारे में उनका क्या ख्याल है। इसी तरह से इंटरनल कस्टमर सर्वे आप खुद भी कर सकते हैं, ये काम आप खुद कर सकते हैं बजाय किसी थर्ड पार्टी को देने का, या फिर कस्टमर कंप्लेंट्स के जो डेटा है उसको भी आप देख सकते हैं। इन सारे चीजों से आपको ये पता लग जाएगा कि कस्टमर आपके बारे में सोचता क्या है, और उसकी सोच को आपको मेजर के तौर पे, मेट्रिक के तौर पर, माप के तौर पर लिखना है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टेक्स टू लॉन्ग टू गेट माय ऑडिट कंप्लीटेड, मतलब मेरे ऑडिट कंप्लीट करने को बहुत देर लगती है, ये कस्टमर कह रहा है। सो मेरा सीटीक्यू क्या होगा? ऑडिट कंप्लीशन टाइम, और उसको मैं डिफाइन भी कर दूंगा कि क्या होगा। सो इस तरह से हमारा वीओसी टू कस्टमर सीटीक्यू ट्रांसलेशन होता है। तो ये प्रक्रिया जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे आपकी चाय पसंद नहीं है, ये वॉइस ऑफ कस्टमर हुआ, और फिर टेस्ट रेटिंग 1 से 5 के में जो टेस्ट रेटिंग दीजिए वो आप मेरा सीटीक्यू हो गया। तो इस तरह से मुझे अपनी सीटीक्यू मिल जाएगी। सो अब मेरे पास सीटीक्यू है, मेरे पास मेजर है, मतलब मैंने उसको प्रोजेक्ट चार्टर में लिख दिया, यहाँ पर प्रोजेक्ट चार्टर मैंने बनाया, उसमें जाके सीटीक्यू लिख दूंगा कि हमारी सीटीक्यू जो अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें टाइम टू कंप्लीट दैट होल प्रोसेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह से हमारी पूरे प्रोजेक्ट चार्टर तैयार हो गया, साइपॉक तैयार हो गया और सीटीक्यू भी हमें मिल गई। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं मेजर फेस के लिए। सो संक्षेप में हमने आज कवर किया साइपॉक, वॉइस ऑफ कस्टमर टू सीटीक्यू और प्रोजेक्ट चार्टर, जो तीनों टूल्स हैं हमें डिफाइन फेज में प्रयोग करने होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेजर फेज। अब पता तो लग गया कि लक्ष्य क्या है, हमारी समस्या क्या है, ये तो पता लग गया, लेकिन अब हम इससे पहले कि सॉल्यूशंस देना शुरू कर दें, आइडियाज जनरेट करें, हमें वो अभी नहीं करना है। अभी एक और फेज है मेजर फेज, जिसमें हमें आंकड़े इकट्ठे करने, हमें पता करना है कि हमारा जो हमारी रेटिंग जो है या हमारा समय कितना लग रहा है, वास्तव में कितना लग रहा है, और उसके लिए हमें करीब 15 से 20, जनरली 30 कहते हैं, 30 सैंपल्स इकट्ठे करने होंगे। 30 सैंपल्स हम इकट्ठे करेंगे, और कभी कभी 40-50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, अगर आराम से सैंपल्स इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा कि लीन सिक्स सिग्मा एक जो तकनीक होती है या मेथोडोलॉजी है, इसे हम प्रोजेक्ट अप्रोच टू इम्प्रूव प्रोसेस इज व्हाट इज लीन सिक्स सिग्मा। लीन सिक्स सिग्मा इज अ मेथोडोलॉजी वेयर वी आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोजेक्ट, एंड दीज प्रोजेक्ट आर ऑफकोर्स डन इन अ प्रोसेस। सो वी हैव टू व्यू द क्वालिटी एक्सटर्नली फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, एंड इट्स अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। 85% of the problems are due to the process, so focus on the process. Who are green belts, black belts, master black belts, process owner, champion, yellow belts, etc.? We saw that. Leadership support is very, very critical to implement Lean Six Sigma. By the way, ye meri photo hai. Main
मैं अगर आपको लग रहा है कि मैं असली में ब्लैक बेल्ट हूं तो जरा गौर से देखें ये थोड़ा पुरानी फोटो है जब मेरे सर पे थोड़े बाल हुआ करते थे तो मेरे ख्याल से ये 15 साल पुरानी फोटो है। 15 साल पहले भी कोई खास बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी तो सारे बाल मेरे सिक्स सिग्मा ने ले लिए। खैर अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लीन सिक्स सिग्मा सीखेंगे तो आपके बाल उड़ जाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रिक्स टूटी हुई है तो बिल्कुल आपने को सही लग रहा है, ये ब्रिक्स ऑलरेडी टूटी हुई है, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। एक कॉन्फ्रेंस था टोरंटो में कनाडा में, उन्होंने किसी ने ऐसा कुछ रख के रखा हुआ था और कहा कि भैया आइए और एक फोटो खिंचाइए, क्योंकि वो सिक्स सिग्मा कॉन्फ्रेंस था तो जाहिर है कि इस तरह की चीजें वहीं पर उपलब्ध होंगी, तो हमने भी एक फोटो खिंचा लिया। तो हम जैसे कि बोल रहे थे कि हमने देखा डिफाइन फेस DMAIC DMAC के अलग अलग टूल्स हमने संक्षेप में देखे और फिर हमने डिफाइन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात की और देखा कि किस तरह से हमें साइपॉक CTQ और प्रोजेक्ट चार्टर बनाना होता है डिफाइन फेस में। इसके बाद हम देखेंगे मेजर फेस और इसके बारे में बाद में।